अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है वालेकुम अस्सलाम जी सर आपकी आवाज आ रही है ठीक हो गया ठीक हो गया जबरदस्त हो तो मैं अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप आ गए हैं सारे ऑलमोस्ट तो मैं स्टार्टअप लेता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं और फिर फर्दर हम वन टू वन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपना दे दीजिएगा फिर हम जो है गूगल uh, एड्स की तरफ इन शार्टार्टअप लेंगे बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है वो मेरा तकरीबन फोटीन ईयर्स का एक्सपीरियंस है आलमोस्ट फोर्टीन ईयर्स से ज़्यादा का हो गया है तो आई जॉइन दिस इंडस्ट्री इन टू थाउजेंड सिक्सटी इन टू थाउजेंड सिक्स और uh, मुझे आलमोस्ट तकरीबन फ़ोटीन ईयर्स प्लस हो गया इस इंडस्ट्री में तो मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एस ऑप्टिमाइजेशन से और उसके बाद मैंने डिफरेंट जो हमारे चैनल्स थे उनको मैंने आ, उनके ऊपर काम किया ऑलमोस्ट मैंने सारे चैनल्स के ऊपर प्रोफेशनली काम किया हुआ है सब चैनल्स के ऊपर और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मल्टी नेशनल नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज के साथ मैंने छोटी बड़ी हर कंपनी के साथ मैंने काम किया हुआ है तो मोस्टली मैंने ऑलमोस्ट हर कंट्री जो मेजर कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस हो गया कनाडा हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया आ, आपका मिडल ईस्ट हो गया पाकिस्तान हो गया यहाँ पर मैंने मैं मतलब अपना मार्केटिंग में रोल प्ले किया है तो इसके अलावा जो मेरा जो एडवर्ड है इसका जो एक्सपीरियंस मैंने जो मैंने प्रैक्टिकली शुरू किया था बैसम टू थाउजेंड टेन में मैंने स्टार्टअप लिया था इसके ऊपर और अलहमद आई रन न्यूमरस कम्पेन ऑन दैट और करंटली मैं हंड्रेड प्लस कंपेन इसके ऊपर मैनेज कर रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ के तो अब माशाला मेरी अपनी कंपनी है ठीक है और जो स्वीडन में ऑपरेट हो रही है और एक कंपनी जो मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ फून इन यू से तो मेरा सारी नेच और सारा वर्किंग जो है मार्केटिंग से रिलेटेड है जिसमें मैं गूगल एड्स एस वेब डेवलपमेंट और क्या कहते हैं एफिलेट मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग ऑल दिस थिंग्स जो है मैं मैनेज कर रहा हूँ तो ये मेरा फर्स्ट ऑनलाइन एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ कि मैं ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ तो इससे पहले जो मैं देता हूँ लेक्चर्स वगैरह जो भी चीज़ें करता हूँ वो मैं मतलब फेस टू फेस हम क्लास रूम टाइप चीज़ होती है जहाँ पर हम करते हैं तो अगर कोई चीज़ आप लेक्चर के दौरान कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए तो आप लेक्चर के एंड में आप मुझसे क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में के जो चीज़ आपको प्रॉपर अगर मैं कन्वे ना कर पाऊँ ठीक है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप थोड़ा थोड़ा मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दें क्या कर रहे हैं आप लोग और मतलब आगे मतलब जो प्लान है उस हवाले से आप अपना थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें फिर हम स्टार्टअप लेते हैं ऐसा भाई आपसे स्टार्ट लेते हैं आपको आवाज़ आ रही है मेरी एहसन वकास भाई आलू को आवाज आ रही है मेरी जी सर आ रही है आपकी आवाज तो आप अपने बारे में काइंडली आप जरा बता दें और फिर हम इसको फिर कंटिन्यू करते हैं सब थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताते दें ताकि फिर हम स्टार्ट अप लें इसके ऊपर ओके सर सर मेरा नाम वकास जमील है मैंने अभी एफएससी के पेपर्स दिए हैं अपने और इस बारे में इतना एक्सपीरियंस नहीं है ये डिजिटल मार्केटिंग गूगल एड्स इन सब का और अभी तो कुछ भी नहीं करा बस पेपर से फ्री हूँ अभी यानी इन शाह तला हो जाएगा जी ठीक है और बाकी जो हैं वो काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवा दो तो फिर हम क्यूथली स्टार्टअप लेते हैं अलैकुम जी वालेकुम असलम मेरा नाम उसैद है और uh, मेरे ज़्यादातर बैकग्राउंड टीचिंग एंड सोशल साइंसेज एनजीओ जी वर्क इस टाइप के कामों में है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है मगर मैं थोड़ा सा क्रिएट ट्रैक चेंज करना चाह रहा था ठीक है तो इस वजह से क्लास ले रहा हूँ सही जबरदस्त हो गया थैंक यू वेलकम तो काइंडली नेक्स्ट नमीला आप uh... अपने बारे में बताए अलकुम सर मेरा नाम नबील शेख है मैं ये डिजिटल मार्केटिंग इसलिए कर रहा हूँ कि अपना कुछ ऑनलाइन सेटअप करना चाह रहा हूँ मैं अपना सही जबरदस्त है सही हो गया तो इसके अलावा आपको पहले कोई नॉलेज वगैरह इसके बारे में कोई चीज़ आपको आपने पहले काम किया हो इस हवाले से या सिर्फ सुना ही है नो सर बिल्कुल फ़्रेश हूँ मैं तो इसमें अभी मेरी आज ये फोर्थ मेरे ख्याल में फोर्थ क्लास है फिफ्थ क्लास है इसके अलावा मेरे कुछ इसके बारे में बैकग्राउंड नहीं है मेरा सर चलें इनशा ताला आपको काफ़ी सो नॉलेज आज कन्वे करने की कोशिश करेंगे इनशा तो, नेक्स्ट आप में एहसन भाई या खालिद भाई आप अपना बताएँ और फिर शुरू कर दें अकम्म वालेकम

इनशाला करें अली खालिद आप कुछ बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे फिर हम स्टार्टअप करते हैं ओके 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 नो इशू नो इशू ठीक है मैं स्टार्टअप लेता हूं सबसे पहले तो बेसिकली मैं आपको आ, मतलब इस तरह से आ, ये हमारी जो कोर्स की गा, गा, जो आ, वो है ना मतलब जिस तरह से अरेंज किया है वो ये है कि आपको प्रॉपरली एक चीज़ के बारे में इन शाला पूरा कन्वे करूँगा कि ये मतलब किस तरह से वर्क करता है तो मैं स्टार्टअप लेता हूँ गूगल एड्स के इंट्रोडक्शन से तो बेसिकली गूगल एड्स जो आपको अभी आप देखते हैं ये सबसे बड़ा मैसिव प्लेटफॉर्म है जो मार्केटिंग डिजिटल मार्केटर यूज़ करते हैं इसका पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है मार्केट में और इसकी इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है जितने भी हम जो पेड प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए ना उसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स ये बेसिकली 2000 में लॉन्च हुआ था बैक इन 2000 अक्टूबर में लॉन्च हुआ था गूगल एडवर्ड्स के नाम से उस टाइम इसका नाम गूगल एडवर्ड्स था तो ये अभी रिसेंटली तो नहीं कह सकते बहरहल 2018 में ये रीब्रांड हुआ और गूगल एड्स के नाम से इसका नाम गूगल एडवर्ड से गूगल एड्स हो गया क्योंकि अभी भी जो पुराने मार्केटर्स हैं या जो पहले से काम कर रहे हैं तो वो अभी भी इसको गूगल एड्स नहीं गूगल एडवर्ड ही बोलते हैं तो टाइम आप इस चीज़ से कंफ्यूज ना होगा गूगल एड्स कोई और चीज़ है गूगल एडवर्ड कोई और चीज़ है तो बेसिकली ये रीब्रांड हुआ नेम <laughs> इन एटीन और जब ये लॉन्च हुआ था ये टू थाउजेंड में लॉन्च हुआ था अक्टूबर में लॉन्च हुआ था तो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आ, मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देता जो मैंने पॉइंट्स नोट किए हुए हैं तो मैं आपको आ, साथ साथ उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो ये जो बेसिकली आपको मैंने जिस तरह बताया ये आ, अक्टूबर में लॉन्च हुआ था ठीक है और टू में इसका नाम जो है चेंज हो के गूगल एड वर्ड से गूगल एड्स हो गया ठीक है बेसिकली आपको नेक्स्ट मैं ये बताऊंगा कि गूगल एड्स और एस जो हम करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स हम इमीजिएटली रिजल्ट्स लेते हैं और जबकि जो एस का सर्च का सब ऑप्टोमाइजेशन जो हम करते हैं ये बेसिकली हम इसका बेसिकली ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और इसमें हम जो है ना इमीडिएटली रिजल्ट नहीं ले पाते क्योंकि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है तो मार्केटर ऑलवेज ट्राइड जितने भी बिजनेस मैन होते हैं वो उनकी यही कोशिश होती है कि उनको इमीडिएट रिज़ल्ट मिलें तो वो फिर गूगल एड्स को यूटिलाइज करते हैं तो ये ये बेसिकली ये दोनों में ये मेजर डिफरेंस है गूगल एड्स बेसिकली काम कैसे करता है गूगल एड्स uh, मतलब अगर एड्स तो मैं गूगल ऐड्स के पास जाऊँगा और गूगल एड उसको अपने मतलब उसके ऊपर प्लेस करने के लिए सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर प्लेटफॉर्म्स की उसको मैं फॉलो करते हुए उसके ऊपर पूरा ऐड्स प्लेस करूंगा तो बेसिकली गूगल एड्स के पास आपने जो एड प्लेस करना है वो गूगल एड्स के ऊपर प्लेस करना है ठीक है गूगल एड्स की अपनी एक प्रॉपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं या कुछ प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं उसके अपने प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम अपने एड्स को डिस्प्ले करते हैं वो प्लेटफ़ॉर्म्स उसके कौन कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं? उसके सर्च इंजन उसका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो अपने एड्स डिस्प्ले करता है उसके अलावा उसका जो प्लेटफॉर्म है एंड्रॉइड है उसका प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो आपके एड्स को आ, शो करता है ठीक है उसके अलावा उसके मतलब YouTube है उसका प्लेटफार्म जहाँ पर आपके वो एड्स को डिस्प्ले करता है और कुछ एड्स वो अपने पार्टनर साइट्स पे डिस्प्ले करता है पार्टनर साइट्स वो साइट्स होती हैं जो Google की पार्टनर साइट्स वो होती हैं जहाँ पर Google अपने एड्स को शो करता है जो रेलिवेंट साइट्स होती हैं आपके एड्स से रिलेटेड वो एड्स आपका वहाँ पर शो करता है ताकि आपके आपके बिज़नेस को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंट ट्रैफिक रेलीवेंट यूज़र मिल सके तो गूगल एड्स पार्टनर किस तरह से बना जाता है और उसका क्राइटेरिया क्या होता है आप सब ने नाम तो सुना होगा गूगल एड्सेंट का बेसिकली गूगल ने पार्टनर्स के लिए क्राइटेरिया बेल्ट किया हुआ है कि वो सर्टन क्राइटेरिया अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसने डिफाइन किया हुआ है जो इसके पास जाते हैं जो भी पार्टनर बनना चाहता है तो वो अपनी सर्टन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और वो गूगल एडसन के पास एप्लीकेशन सबमिट करता है और वो उसको फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है तो लेट्स से आप में से कोई कहता है आप कि मेरी वेबसाइट है इसके ऊपर आप एड्स प्लेस करवाना चाहते हैं तो वो क्या होगा कि आप उसके पास जाओगे एडसन के पास अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे और वो आपको आपकी साइट्स को देख के भाई इसकी ट्रैफिक अच्छी है या नहीं अच्छी है अगर अच्छी ट्रैफिक है तो डेफ़िनेटली वो आपको अप्रूव करेगा जो उसके सर्टन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं तो वो एड्स आपके ऊपर जो शो होते हैं वो बेसिकली गूगल एड्स की वजह से ही शो हो रहे होते हैं जो आ, आपने एड्स लगाया और डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो एड्स आपको डिस्प्ले होते हैं वो गूगल एड्स की वजह से ही होते हैं ठीक है तो आगे हम चलते हैं इसके ऊपर एक मेजर क्वेश्चन जब आप इस पर काम करेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा कि आपकी कम्पेन वगैरह चल रही है और प्रॉपरली चल मतलब आपने सेटअप की हुई है और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो उसकी सर्टन रीज़न्स हो सकती हैं क्या पता आपका जो एड्स है जो आपने डिज़ाइन किए हुए हैं वो रेलीवेंट ना हो जो आपने मतलब आपकी वेबसाइट है वो मतलब उतनी यूज़र फ्रेंडली ना हो मतलब ये सारे पॉइंट्स उसमें हो सकते हैं तो उसको फिर हम एड्रेस करते हैं जो ताला आपको जब मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा तो आपके वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हम उन चीजों को प्रॉपरली टैकल कर सकते हैं ठीक हो गया तो जो गूगल एड्स है बेसिकली ये किस मतलब जो इसका मॉडल है वो किस किस तरह से ऑपरेट होता है गूगल एड्स तो गूगल एड्स बेसिकली टू मॉडल्स के ऊपर जो है ना ऑपरेट होता है सबसे पहला मॉडल जो है उसका पीपीसी मॉडल है ठीक है जिस जिसका जो स्टैंड करता है पीपीसी वो pay per click पे पर क्लिक पे स्टैंड करता है ठीक है यानी कि जब यूजर आपके ऐड पे आए और वो क्लिक करे तब वो आपको चार्ज करेगा गूगल एड्स रदर देन दैट वो आपको चार्ज नहीं करेगा और दूसरा जो इसका मॉडल है वो है पीपीएम ठीक है पे पर इम्प्रेशन मतलब पे पर थाउजेंड इम्प्रेशन ठीक है तो मतलब जिसके लिए मतलब आपने कोई कंपेन चलाई है इमेजेस वगैरह जो होते हैं जो वीडियोस होती हैं बेसिकली वो उसके ऊपर ये मॉडल इंप्लीमेंट होता है जो आप वीडियो एड्स बनाते हो डिस्प्ले एड्स बनाते हो तो ये मॉडल बेसिकली उसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है और गूगल आपको जो चार्ज करता है वो सर्टन इम्प्रेशन के ऊपर आपको चार्ज करता है इसका जो है थाउजेंड्रेशन के ऊपर आपको एक अमाउंट चार्ज कर देता है वो ठीक है आपको मैं स्क्रीन में मैंने शेयर की हुई है आपको नज़र आ रही है ना तो ये बेसिकली जो है इन इन टू मॉडल्स के ऊपर ऑपरेट होता है एक तो पीपीसी मॉडल होता है और दूसरा मॉडल होता है पीपीएम मॉडल ठीक है पीपीसी बेसिकली आपको क्लिक के ऊपर चार्ज हो रहा होता है और जो पीपीएम है वो आपको इम्प्रेशन के ऊपर चार्ज हो रहा होता है तो इम्प्रेशन आपको आइडिया होगा अगर हो ये कंपेन हम उस लिए चलाते हैं पी पी एम कम्पेन्स जो बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस कम्पेन्स हमारी होती हैं या वीडियो एड्स हो गए तो उसकी जो कैलकुलेशन होती है चार्ज की वो पीपीएम मॉडल के थ्रू होती है ठीक है <coughs> तो एक पॉइंट मैं आपको मिस कर गया हूँ कि गूगल एड्स की जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता था गूगल गूगल एड्स जो है बेसिकली क्यों इतना इम्पोर्टेंट है लोग इसको क्यों प्रेफर करता है मतलब कोई भी बिजनेसमैन है उसकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि वो आपको जो है गूगल एड्स के बारे में मतलब गूगल एड्स उसका चले और अच्छे तरीके से चले और उसको वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो क्योंकि जब भी कोई आ, सर, सर्चर जो है या यूजर जो है सर्च इंजन पे आता है और सर्चिस करता है ठीक है तो वो सबसे पहले एड्स के ऊपर क्लिक करता है एड्स के ऊपर मोस्टली वो क्लिक करता है जब लेट से आपने कोई प्रोडक्ट बाय करनी है या कोई आपने सर्विस लेनी है मतलब लेट से यू वांट प्लम्बिंग सर्विस यू वांट बाय सम प्रोडक्ट लाइक क्लॉथिंग से रिलेटेड हो सकते हैं जो आप बाई करना चाहते हैं तो लोग मोस्टली जो uh, है न वो एड्स के ऊपर क्लिक करते हैं जो राउंड अबाउट सिक्सटी फोर पॉइंट सिक्स पीपल जो हैं वो जब आपके सर्चिस पे जब सर्च कर रहे होते हैं सर्च इंजन के ऊपर तो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि जो एड्स हैं उन पर क्लिक करते हैं और वो हैं तकरीब सिक्सटी फोर पॉइंट सिक्स परसेंट लोग हैं जो आपके एड्स पर क्लिक करके बाई या परचेज करते हैं जो भी हैं वो आपके सर्च इंजन पर सर्च करने के बाद जो एड्स हैं उनको प्रेफर करते हैं तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है अगर हम अगर अगर हम अपनी मार्केटिंग को प्रॉपर अगर ऑनलाइन मार्केटिंग को प्रॉपर करना चाहते हैं तो इसका यूटिलाइज हमें करना पड़ेगा ठीक है और एक नाइन परसेंट जो आपकी ए, ट्रैफिक है वो जनरेट बाय सर्च एड्स होती है ठीक है जो आप सर्च एड्स आपको मैं आगे इनशा तला नेक्स्ट जो आएगा इन शाला मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि वो कैसे बनते हैं वो कंपेन किस तरह सेटअप होती है इनशाला ट्राई करूँगा कि कम्प्लीटली आपको गाइड कर सकूँ कि किस तरह से ये बनती है उसको मैं प्रैक्टिकली इनशा आपको आगे सारा इन गाइड करूंगा उसके बाद एक जो क्यूरी लोगों के माइंड में आती है कि यार जो चीज़ हम पेड सर्चिस के लिए करते हैं क्या हम ऑर्गेनिकली उन कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं जो हम पेड़ के ऊपर टारगेट कर रहे होते हैं तो ये बात बहुत मतलब हंड्रेड परसेंट नहीं है क्योंकि जो आपके पेड़ की वर्ड्स हैं वो कभी भी रिप्लेस नहीं होते ऑर्गेनिक के ऊपर ठीक है ओनली एलेवन पॉइंट समथिंग परसेंट जो कीवर्ड्स हैं वो आपके पेड से ऑर्गेनिक के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं ठीक है तो जो जो बेसिक मतलब ये जो आ, एक रॉन्ग कंसेप्ट है लोगों के बहुत से मार्केटर्स के दिमाग में भी ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है कि वो समझते हैं कि शायद हम पेड कंपेन चला रहे हैं और इसकी हेल्प से जो की हमने टारगेट किए हुए हैं तो ऑर्गेनिक में भी हमें पुष्ट मिलेगा ओनली अलेवन परसेंट के नियर अबाउट जो है ना आपकी जो पेड है वो ऑर्गेनिकली रैंक हो सकती हैं दूसरा जो एवरेज हमें गूगल बताता है मुझे कहता है कि जो एवरेज रेवेन्यू जनरेट होता है वो टू डॉलर रेवेन्यू जनरेट होता है फोर स्पेंडिंग वन डॉलर जो एवरेज जितनी भी कंपनीज चलती हैं इसके ऊपर एक डॉलर इन्वेस्ट करके टू डॉलर एवरेज अर्निंग होती है इसके ऊपर तो इसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ जो गूगल का मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि जो गूगल के दो बेसिकली जो दो मॉडल हैं इनके ऊपर ये पूरे का पूरा गूगल स्ट्रक्चर होता है जितनी भी कम्पेनस हैं आपकी इन्हीं दो मॉडल्स के ऊपर स्ट्रक्चर होती है एक तो पी मॉडल है और दूसरा पीपीएम मॉडल है इसके ऊपर पूरे का पूरा आपका एडवर्ट पेस्ट करता है और जो भी कंपेन आप डिजाइन करते हो तो इसी मॉडल के तहत डिज़ाइन करते हो ये मैंने आपको डिस्कस किया था कि गूगल एड्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा उसकी सर्टन रीजन हो सकती हैं ये मैं आपको अभी जनरली एक और भी दे रहा हूँ उसके बाद इन शी मैं आपको एक्सप्लेशन में जब जाऊँगा प्रैक्टिकली आपको चीज़ें दिखाऊँगा तो आपको इन शाला ज़्यादा बेटर समझ आएगा कि माइट भी आपका जो गूगल एड्स है वो परफॉर्म इसलिए नहीं कर रहा कि आपने माइट भी अपनी प्रॉड की वर्ड्स टर्म्स यूज़ की हुई हैं दूसरा ये हो सकता है कि जो आपने एड डिज़ाइन किया है वो इलीवेंट हो सकता है यूज़र जो सर्चर है उसकी इंटेंट उसके मुताबिक नहीं हो डिज़ाइन हुआ होगा तीसरा ये फैक्टर हो सकता कि आ, है, का, हो। है कि आपका जो क्वालिटी स्कोर है एड्स का वो कम हो और चौथा आपका पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आपका जो लैंडिंग पेज है जहाँ पर आप एड्स पर क्लिक करवाने के बाद लैंड करवा रहे हो वो माइट भी वो पुअर उसका एक्सपीरियंस हो ठीक है तो एक क्वेश्चन अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार हम गूगल एड्स यूज़ करते हैं तो लॉट ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल्स आर यूजिंग गूगल एड्स ठीक है ना तो जो गूगल अपने एड्स शो करता है वो किस तरह से शो करता है उसका कन्सेप्ट क्या है शो करने का कंसेप्ट क्या है उसका शो करने का वो किस तरह से शो करता है क्योंकि तो गूगल के पास जो स्पेस होती है वो मोस्टली मोस्टली तौर पे फोर एड्स आपके टॉप पे दिखा रहा होता है उसके बाद सम टाइम वो आपके फुटर के ऊपर दो एड्स आ रहे होते हैं आफ्टर जो टॉप टेन एड्स होते हैं फुटर में सम टाइम दो एड मतलब सिक्स स्पेसिज होती हैं उसके पास एड डिस्प्ले करने की और चला तो थाउजेंड ऑफ़ पीपल्स एड्स रहे हैं तो आपका एड्स किस तरह से सर्चिस के ऊपर शो होता है हर दफ़ा आपका एड शो नहीं होता ठीक है क्योंकि लॉट ऑफ पीपल रनिंग सेम मतलब सर्विस या प्रोडक्ट में एड्स चला रहे होते हैं तो वो क्या गूगल किस तरह से आपका एड्स शो करता है और उसका क्या मतलब एल्बोरिज्म जो है जो उसका शो करने का जो तरीका कार है वो क्या है वो बेसिकली वो डिसाइड होता है गूगल एड्स ऑप्शन से Google Ad option जो concept है गूगल एड ऑप्शन जो कन्सेप्ट है बेसिकली ये डिटरमिन करता है कि आप जो है पहले नंबर पे आओगे दूसरे नंबर पे आओगे तीसरे नंबर पे आओगे या चौथे नंबर पे आओगे या आप टाइम आपका रिजल्ट में शो नहीं होते तो वो सर्टन क्राइटेरिया है सर्टन क्राइटेरिया है उसकी एलिजिबिलिटी का कि आपकी पोजिशन क्या होगी तो उसमें हमारे जहन में एक चीज़ आती है कि हम ज़्यादा बजट लगाएँगे तो हमारा एड्स ऊपर नज़र आएगा तो ये चीज़ हाँ हमेशा के लिए ये चीज़ नहीं होती आप शख्स ज़्यादा बजट लगाओ तो आपका एड नज़र आएगा लेकिन टाइम ऐसा ऐसा होता नहीं कि आपने बजट भी ज़्यादा लगाया होता है फिर भी टाइम आपका एड्स नहीं शो हो रहा होता दूसरा जो फैक्टर है इसमें आ, जो मेन फैक्टर है वो है ऐड रैंक एड रैंक जो है वो किस तरह से किया जाता है और किस तरह होता है उसका प्रोसीजर क्या है उसका उसका जो प्रोसीजर है वो ये नहीं है कि वो आपकी बिडिंग ज़्यादा होगी तो वो आपको रैंक करेगा आपका मतलब टेली बजट ज़्यादा होगा तो वो आपको रैंक करेगा इसके लिए जो प्रोसीजर है ऐड रैंक का वो वो बेसिकली ये होता है एड रैंक आपका जो अवेलिएट होता है जो उसका जो फार्मूला है वो ये है कि एड रैंक क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई और मैक्सिमम सी जो आपने सर्टन अमाउंट दी हुई है और आपका जो क्वालिटी स्कोर है क्लिक के मतलब जो आपने क्लिक के ऊपर आपने सर्टन अमाउंट दी हुई है और जो आपका एड का क्वालिटी स्कोर है वो जो है आपका एड रैंक बनाता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्वालिटी स्कोर फाइव आ रहा है और आपने पर क्लिक जो चार्ज रखा हुआ है वो वन डॉलर रखा हुआ है तो आपका जो एड रैंक होगा वो फाइव डॉ फाइव होगा ठीक है इसी तरह एक आपका क्वालिटी स्कोर टेन है और आपने बिडिंग पे पॉइंट फाइव रखा हुआ तो आपका टू पॉइंट फाइव आपका एड रैंक होगा ठीक है आगे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली इस चीज़ के बारे में आइडिया हो जाए कि एड रैंक जो है बेसिकली किस तरह से कैलकुलेट होता है वो मैं आपको एक सर्टन आपको एक क्राइटेरिया रख के बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एड वन ने स्पेंड किया हुआ मैक्सिमम बिड जो है वो टू डॉलर की स्पेंड हुई है मैक्सिमम बिड और जो आपका क्वालिटी स्कोर है वो टेन डॉलर है तो आपका एड रैंक कितना हो गया ट्वेंटी इसी तरह दूसरे जो एडवर्टाइज़र है उसने जो बिट दी हुई है वो थ्री डॉलर क्लिक दिया हुआ है और वो उसका क्वालिटी स्कोर फाइव डॉलर है और ऐड रैंक जो है वो फिफ्टीन है मतलब ये आपको ऊपर मैंने फार्मूला बताया है ये काइंडली आप नोट भी करें साथ साथ ताकि आपको आए, ये सारी चीज़ें जो है मैं जो आपको करवा रहा हूँ ताकि जब हम प्रैक्टिकली इसको करें तो आपको आइडिया हो कि एड रैंक बेसिकली किस तरह से कैलकुलेट होता है ठीक है ये मैंने आपके सामने फोर स्नैलियो रखे हैं और इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि होता है कि आपने एक क्लिक के ऊपर दो डॉलर रखे होंगे तो गूगल आपको चार्ज कर रहा होता है टू डॉलर्स ठीक है मैक्सिमम आपने ये लगाया होगा तो कि टू डॉलर चार्ज करें समाइम वो, वो वन डॉलर लगा रहा होता है चार्ज सम पॉइंट फाइव सेंट लगा रहा होता है तो ये डिपेंड करता है आपके एड क्वालिटी पे मतलब क्वालिटी स्कोर बहुत मैटर करता है आपके लिए तो इसको जो चार्ज है गूगल चार्ज किस तरह करता है उसका भी एक फार्मूला है जिसकी बेस पे वो चार्ज कर रहा होता है आपको ठीक है अब मैं आपको नीचे सिनेरियो दिया है एड परसन जो वन है उसको जो चार्ज हुआ है वो 1.6 हुआ है किस तरह हुआ है फार्मूला ये है एट रैंक ऑफ पर्सन बिलो यू यानी कि जो आपका एड वन को जो चार्ज होगा वो एड का है आपसे नीचे क्या है फिफ्टीन फिफ्टीन डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर ठीक है आपके क्वालिटी स्कोर से उसको डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो वन पॉइंट फाइव होगा और उसमें आपने एड ऑन कर देना है प्लस ज़ीरो पॉइंट वन ये वैल्यू आपने ऐड कर देनी है तो ये आपको चार्ज जो पहला एड है जिस पर क्लिक हुआ उसको चार्ज हो रहा है वन पॉइंट सिक्स और जो दूसरा पर्सन है उसको चार्ज हो रहा है टू पॉइंट फाइव और जो तीसरा है उसको चार्ज हो रहा है फोर पॉइंट वन तो ये आपको बेसिकली एड्स तो सब एक सर्विस में एड चला रहे हैं और उनको चार्ज डिफरेंटली हो रहा है वोट आपके क्वालिटी स्कोर आपको यहाँ से आइडिया होगा कि आपका जितना अच्छा क्वालिटी स्कोर होगा एड का आपको चार्ज भी उतना ही कम पड़ेगा और आपका एड्स भी ज़्यादा मतलब सर्चिस में शो होगा तो बेसिकली ये एक फार्मूला है ये भी आप काइंडली नोट कर लें कि योर प्राइस जो आपकी प्राइस आएगी वो कितनी होगी आपको गूगल कितना चार्ज करेगा कौन से क्राइटेरिया पर चार्ज करेगा मतलब ये नहीं है कि वो एक कोई भी अमाउंट चार्ज कर दे, ऐसा नहीं है एल्गोरिथम स्पेसिफिकली डिज़ाइन हुआ है कि वो किस तरह चार्ज करता है आपको ठीक है तो आपने दिया हुआ था मैक्सिमम बेट टू डॉलर्स की ठीक है लेकिन आपको चार्ज हुआ है वन पॉइंट सिक्स ऑन योर सर्टन ऑन सर्टन क्राइटेरिया जो मैंने आपको अभी डिफ़ाइन किया है ठीक है क्वालिटी स्कोर उसका टेन था इस वजह से उसका जो बिलो एड रैंक था वो फिफ्टीन था और ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने मैंने करके रखी हुई है और आप इस फार्मूला का नोट करें ताकि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो कि हाउ मच यू चार्ज ऑन फ्लिक तो गूगल किस बेस पे जो है वो चार्ज करता है आपको इसलिए जितने जितने भी एडवर्ट गूगल एड्स पे काम करने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं कि आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए तो क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा तो आपकी कम्पेन्स के रिजल्ट अच्छे आएंगे आपका बजट कम लगेगा आपको रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा तो बेसिक यही एक स्ट्रेटजिकली यही थिंग होती है जब हम कोई भी कम्पेन चला रहे होते हैं तो हमारा एंड गोल यही होता है कि यार हम जो हैं अगर सौ डॉलर लगा रहे हैं तो कम अज़ कम हमें दो सौ डॉलर या तीन सौ डॉलर अर्निंग हो अदर देन डैट तो हम हमें फ़ायदा नहीं है कंपेन चलाने का क्योंकि अगर हमें हंड्रेड डॉलर लगा के हंड्रेड ही मिलना है तो इसका मतलब है कि हमारा मतलब फ़ायदा नहीं है हम कुछ भी अर्न नहीं कर रहे बल्कि लॉस हो रहा है हमारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है हमारी मनी इन्वेस्ट हो रही है तो चलाने को एडवर्ट्स हर कोई चला सकता है ठीक है ना मतलब कोई बिगनर भी अगर आता है तो वो एडवर्ट चला के एड से तक करके कंपेन चला सकते हैं लेकिन बेसिक एलिमेंट्स ये होते हैं कि हमने उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना होता है ताकि हम जो हैं प्रॉपरली अपने रिजल्ट्स को ले सकें हमारा आर ओ वाई बेहतर हो हमारी जो हम हम ऐड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें रिटर्न कितना आ रहा है ये बहुत मैटर करता है ठीक है तो इसलिए ये मैं बेसिक पॉइंट्स आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम प्रैक्टिकली इसको आ, करना शुरू करें तो आपके माइंड में क्यूरीज़ ना आए कि यार ये एड रैंक क्या होता है ये क्वालिटी स्कोर क्या होता है बिडिंग क्या होती है तो ये इसलिए मैं आपको शुरू में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको जब हम इसको प्रैक्टिकली जब स्टार्टअप करेंगे आपको मैं जब एडवर्ड के डैशबोर्ड पे लेके जाऊंगा तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो अब मेन चीज आ जाती है कि आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो कैसे मैया किया जाता है क्वालिटी स्कोर जो मेजरमेंट है वो बेसिकली उसके जो है ना बेसिक फोर एलिमेंट्स हैं जो जिसकी बेस पे जो है मैयर कर रहे होते हैं। सॉरी हमारे क्वालिटी स्कोर है उसको हम सर्टन क्राइटेरिया के ऊपर देख रहे होते हैं जो मैं आपको साथ अभी शेयर करता हूँ आ, आप उसको नोट भी करें साथ साथ ये ज़्यादा बेटर होगा जब आप साथ नोट करेंगे इन सारी चीज़ों को तो वो एक हमारे लिए मतलब फ्यूचर में भी हेल्पफुल होगा कि यार ये फार्मूलाज़ क्यों यूज़ होते हैं या जो एड मतलब कोई भी कंपेन है उसको हम अगर बना रहे हैं तो किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है और जो हमारे एड्स शो होते हैं सर्चेज़ में वो किस तरह से शो होते हैं क्यों पोजिशन हमें डिफरेंट पोजिशन मिलती हैं तो ये सारी चीज़ें आप साथ साथ नोट डाउन भी करें तो क्वालिटी स्कोर बेसिकली इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना क्वालिटी स्कोर का वो है आपका एड रेलिवेंसी मतलब आप जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस है उसको अगर आप टारगेट करना चाह रहे हो तो वो वो बेसिकली आपके एड उसके रेलिवेंट मतलब उसकी रेलिवेंसी होनी चाहिए ये नहीं है कि आप एक कप ऑफ ग्लास अगर आपने सेल करना है और आपने वहाँ पे एड्स में जो है लिखा हुआ है आ, अबाउट जग लिखा हुआ है अबाउट एनीथिंग एल्स आपने लिखा हुआ है तो वो रेलिवेंसी नहीं होगी आपकी तो गूगल एड्स में जब आप एड डिज़ाइन कर रहे होते हो तो मेक श्योर sure कि आपकी रेलिवेंसी हंड्रेड परसेंट होनी चाहिए ताकि आप जो हैं एक अच्छा क्वालिटी स्कोर गेट कर सकें और ऐड रेलिवेंसी तकरीबन जो आपको पॉइंट्स देती है अगर आप उसको मैयर करें तो एटी परसेंट इन्वॉलमेंट आपके क्वालिटी स्कोर में आपकी ऐड रेलिवेंसी की होती है ठीक है उसके बाद आपका आ जाता है लैंडिंग पेज मतलब जो आपका यूज़र आया आपने एक ऐड कम चलाई ऐड आपका गूगल पर शो हो रहा यूज़र ने आकर क्लिक किया क्लिक करने के बाद जो उस पेज पे लैंड करता है जिस पे आपने लैंड करवाया हुआ है उसको वो आपका लैंडिंग पेज होता है ठीक है लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने एक कप के ऊपर ऐड चलाया है तो आपका जो पेज है जिसके ऊपर आप जो चीज़ आप सेल करवाना चाह रहे हो या जो सर्विस आप सेल करवाना चाह रहे हो तो वो उसी से रिलेटेड पेज होना चाहिए ठीक है ताकि यूज़र जब आपके ऐड पे क्लिक करे तो आप उसको वही चीज़ मिले जिसके लिए वो मतलब उसने आपके ऐड पे क्लिक किया है अगर आपके ऐड में अगर आपके लैंडिंग पेज में वो चीज़ नहीं होगी उस तरह से मतलब मैनेज या उस तरह से आपने एक्सप्लेन नहीं किया होगा तो यूज़र क्या करेगा आपके स्किप कर जाएगा और जब आपके एड से स्किप करेगा तो आपका क्लिक थ्रू रेट कम हो जाएगा मतलब आपका ये चीज़ें ऑन स्क्रीन टाइम आपका कम हो जाएगा तो ये आपका क्वालिटी स्कोर डाउन हो जाएगा ठीक है तो तीसरा फैक्टर है ईज ऑफ लेट लेट्स इफ यूजर लैंड ऑन योर वेबसाइट आफ्टर क्लिकिंग एड तो आपका जो चीज़ है जो सर्विस है या जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली इजी होना चाहिए उसके लिए अंडरस्टैंड करना अगर लेट्स अगर वो परचेज़ के लिए आपने कोई चीज़ आप सेल कर रहे हो तो वो उसका जो मेथड है उसको बाय करने का या उस उस चीज़ को गेट करने का वो इजी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द यूज़र आपने जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो यूज़र को मद्देनज़र रख कर डिज़ाइन करना है आपने अपना लैंडिंग पेज के यूज़र जब, पे जब आपके ऐड एड आके जब आपके लैंडिंग पेज पर जाए तो वो प्रॉपरली इजी हो उसके लिए ये ना हो कि उसको डिफ़िकल्ट मेथड आपने पेजेस पे लगाया हुए मैं आपके कॉल टू एक्शन प्रॉपर नहीं लगे हुए कॉल टू एक्शन मींस के आपका फॉर्म अगर आपने क्यूरी के लिए लगाया हुआ है या आपने परचेज़ के लिए एड टू कार्ड वगैरह जो भी प्रोसेस बनाया हुआ है ये इजी टू अंडरस्टैंड एबल होना चाहिए यूज़र के लिए और ताकि वो ईज़िल आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सके जो भी सेक्शन आप अपनी वेबसाइट पर डिफ़ाइन करें वो ईजी टू अंडरस्टैंड ईजी टू यूज़ ईजी टू बाय टू मतलब गेट योर सर्विस जो भी आप मार्केट कर रहे हो वो उसके लिए ईजी होना चाहिए और चौथा हमारा जो पॉइंट है फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है इंक्रीजिंग ऑन साइट टाइम मतलब इफ यूजर कम बाय ऐड ऑन योर वेबसाइट तो आपकी जो यूजर का टाइम है आपकी वेबसाइट पे वो कितना लगा है अगर तो वो मतलब इन फ्यू सेकंड अगर वो स्किप कर जाता है इट्स मीन योर योर लैंडिंग पेज या आपका जो एड है या आपकी जो सर्विस आप सेल कर रहे हो या प्रोडक्ट कर रहे हो सेल तो वो यूज़र के मतलब मुताबिक नहीं थी इसलिए वो जल्दी से स्किप कर गया अगर एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे आपने प्रॉपरली ऑर्गनाइज वे में इंफॉमेसन भी दी हुई है और इजी मतलब एक बेस्ट वे में आपने अपने कॉल टू एप्शन यूटलाइज किए हुए हैं तो वो क्या करेगा आपकी वेबसाइट पर स्टे करेगा और होपफुली वो आपकी वेबसाइट से सर्विस लेगा या आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा तो ये मतलब ये चारों फैक्टर्स आपका मिलके एक क्वालिटी स्कोर डिटरमिन करते हैं कि यार ये आपका अगर ये सारे फैक्टर परफेक्ट होंगे तो आपका एड क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा और ऐड क्वालिटी स्कोर के लिए जो गूगल ने पॉइंट्स बताए हुए हैं वो टोटल टेन पॉइंट्स हैं टेन पॉइंट्स में से आप अगर टेन में टेन लेते हो तो आप आउटस्टैंडिंग आपने एड भी क्रिएट किया आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस भी अच्छा है और आपका जो आपने जो आपका जो ईज़ ऑफ नेविगेशन से रिलेटेड जो आपने चीज़ें इंप्लीमेंट की हुई थी वेबसाइट्स के ऊपर इन टर्म्स ऑफ कॉल टू एक्शन इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स जो आपकी इंफॉर्मेशन है आप, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड वो आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन की हुई हैं तो वो क्या होगा आपका क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा क्वालिटी स्कोर पे मैं तरह इम्प्रसाइज़ क्यों कर रहा हूँ कि आपका जो एडवर्ड है बेसिकली इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मेरे नज़र में वो क्वालिटी स्कोर है आपका क्वालिटी स्कोर जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तब तक आप एक अच्छे मार्क मतलब अच्छी कम्पेन रन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर मैंने जो आपको अभी लैंडिंग पेज का बताया तो लैंडिंग पेज जब हम आ, कोई भी कंपेन चलाते हैं मैं पर्सनली अपने मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ जब मैं कोई कंपेन चलाता हूँ तो मैं उसको सर्टन डिफरेंट टूल्स के ज़रिए एनालाइज करता हूँ एनालिटिक के जरिए भी उसको एनालाइज़ करता हूँ कि भाई मेरे जो यूज़र लैंड हो रहे हैं ऐड से उनका क्या बिहेवियर है और इसके अलावा हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं जो हम अपनी मतलब ट्रैकिंग को मैय करते हैं जैसे आ, आप भी यूज़ कर सकते हैं आप आ, अभी आप प्रैक्टिस भी करेंगे इस चीज़ की तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने लैंडिंग पेज का बिहेवियर आपने नोट डाउन करने के user का यूज़र का लैंडिंग पेज बिहेवियर कैसा है तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हॉट जार यूज़ कर सकते हो जो आप फ्री ट्रायल मिलता है आपको फिफ्टी डेज़ का जो आप यूज़ कर सकते हो ये क्या होता है कि आपने जो भी लैंडिंग पेज है उसकी प्रोग्रेस को मैयर करना है यूज़र का बिहेवियर देखना है तो वो आप उसको ईज़ीली आप उसको जो है वो आप मैयर कर सकते हो कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसका पूरी मतलब आपको वीडियो बना के देता है कि यूज़र आपके कौन कौन से पॉइंट्स पे उसने क्लिक किया लेट्स से सम टाइम ऐसा होता है कि जब मैं ऐड के लिए लैंडिंग पेज डिज़ाइन करता हूँ तो मैं ये जब ट्रैकिंग कर रहा हो तो सम टाइम हमारी वेबसाइट की कोई ना कोई फंक्शनैलिटीज़ उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही होती लेट से मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट से मैंने एक फॉर्म लगाया हुआ है उसके ऊपर ईमेल मैंने गेट करनी है तो वो क्या पता है यूज़र सबमिट पे जब क्लिक करता है तो वो परफॉर्म नहीं करता तो इस तरह के इश्यूज भी फाइंड आउट होते हैं और आपका यूज़र का बिहेवियर भी फ़ाइंड आउट होता है कि यार ये अगर मैंने हॉट जार लगा के मैंने वो सारी चीज़ें मैयर करता हूँ उसके अलावा मैं देखता हूँ कि एक यूज़र मेरा गूगल क्रोम पे आया ब्रोज़र से आया और उसके साथ ये इशू हुआ कि क्लिकिंग का बटन काम नहीं कर रहा या मेरा कॉल का जो बटन है वो शो नहीं हो रहा या मेरा कोई और लेआउट डिस्टर्ब हुआ, हुआ हुआ है तो वो भी मुझे पता चल जाता है डिफरेंट ब्रोजर को आप चेक कर सकते हो कि कौन सी वेबसाइट्स पे आपका कौन सा यूज़र काम कर रहा है ठीक है तो ये ये चीज़ बहुत मैटर करती है जब आप कंप्न चला रहे होते हो कि आपका यूज़र क्या चीज़ ज़्यादा यूटिलाइज करता है तो आपकी वेब आपने मेक श्योर sure ये करना है कि आपका जो लैंडिंग पेज है उन स्पेसिफिक ब्राउजर्स के ऊपर अच्छा ओपन होता हो से इफ यू रन कम्पेन इन यूएसए तो आपको वहाँ पर सैमसंग के अंदर जो ब्राउज़र्स यूज होता है और जो आईफोन के अंदर ब्राउज़र्स यूज़ होते हैं उनके मुताबिक अपनी वेबसाइट को हंड्रेड परसेंट रखना है तब जाके आपका एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आपके पेज का क्रिएट होता है अदर दैन डैट आप बहुत सी चीज़ें मिस कर देते हो आपका मतलब आपने ऐड डिज़ाइन किया आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग एड डिज़ाइन किया आपके की वर्ड आउट थे लेकिन आप मार्क आ रहे होते हो अपने लैंडिंग पेज से यूज़र तो आप ले आते हो लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहा होता तो उसके लिए जो हम चीज़ें मैयर करते हैं वो बेसिकली डिफरेंट टूल्स जैसे मैंने आपको बताया गूगल एनालिटिक में हम ये देखते हैं कि हमारे ऐड का मतलब जो हमारा लैंडिंग पेज है उसकी कहीं स्पीड तो ज़्यादा नहीं हो गई है मतलब उसका लोडिंग टाइम तो ज़्यादा नहीं है या उसके अंदर कुछ और आ, मतलब उसका बाउंस रेट कितना है उसका एग्जिट रेट कितना है तो ये सारी चीज़ें हम एक कंक्लूजन निकाल कर फिर उसकी बेस के ऊपर हम अपने लैंडिंग पेज के ऊपर स्ट्रेटजीज बनाते हैं क्योंकि एड रेलिवेंसी तो हमने कर ली बाकी जो हम लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी है वो हम नहीं कर पा रहे ईज ऑफ नेविगेशन हम नहीं कर पा रहे उसके लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं जिसकी वजह से हमारा ऑन स्क्रीन टाइम भी बेहतर होता है हमारा मतलब और अदर फैक्टर्स भी अच्छी तरह से जो हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाते हैं तो नेक्स्ट में आपको ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेन कर दी है कि एड रेलिवेंसी जो है बेसिकली कैलकुलेट कैसे होती है जो एड रेलिवेंसी मैंने आपको बताया एटी परसेंट जो है इसका वो अमल दखल होता है आपके क्वालिटी स्कोर के ऊपर तो जब तक आपका एड रेलिट नहीं होगा तो एड रेलि में आपका लैंडली आपका landing page भी इन्वॉल्व होता है तो ये कैलकुलेट कैसे होती है एड रेलि के जो यूजर है वो उसकी जो, उसकी जो के मुताबिक आपका एड होना चाहिए से तो अगर कोई लेडीज भी लिखता है ना तो वो मेरा ऐड उसकी त, आ, मतलब intent के अकॉर्डिंग है तो वो डिस्प्ले होगा तो मुझे हर चीज़ का मतलब ख्याल रखना है कि मैंने जो अपना एड डिज़ाइन करना है वो यूज़र की इंटेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो सर्चर आएगा ऑनलाइन में सर्च करेगा तो उसकी प्रॉपर जो सर्च इंटेंट है वो आपके एड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो आपकी बेसिक एलिमेंट है एड्स रेलिवेंसी को कैलकुलेट करने का उसके बाद जो मैंने आपको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था ऊपर वो आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है ठीक है उसके बाद मैं आगे आ जाता हूँ आ, आपके जो गूगल एड्स की जो मेजर टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं जो गूगल एड्स में आप यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं वो सर्च एड्स हैं उसके बाद आ जाते हैं डिस्प्ले एड्स आ जाते हैं उसके बाद आपके शॉपिंग एड्स आ जाते हैं उसके बाद आपके वीडियो एड्स आते हैं फिर ऐप एड्स होते हैं और स्मार्ट एड्स होते हैं मैं इनको इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ सर्च एड्स बेसिकली वो एड्स होते हैं जो आपको सर्च इंजन पर जब कुछ थ्योरी करते हो तो जो सर्च इंजन के ऊपर आपको जो एड्स नज़र आ रहे होते हैं वो बेसिकली आपके सर्च एड्स होते हैं ठीक है सर्च एड्स जो हैं वो उन, उनका मैं आपको जब आगे कंपेन्स पे काम करेंगे इन तो आपको एक्सप्लेन करूँगा कि तो सर्च एड्स के अंदर भी डिफरेंट वराइटीज होती हैं कि हम मतलब सर्च एड्स में कॉल एड्स भी बनाते हैं सर्च एड्स में हम और और से एक्सपेरिमेंट्स भी हम कर सकते हैं सर्च एड्स में आपके रिस्पॉन्सव एड्स भी होते हैं एक्सपेंड एड्स भी होते हैं और बहुत सी टाइप्स आप इसके अंदर आप प्रैक्टिकली आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके आ जाते हैं वो जो हम यूज़ करते हैं वो डिस्प्ले एड्स होते हैं बेसिकली ये आपके एमजेस के एमेज एड होते हैं इसमें भी आगे फर्दर बहुत सी टाइप्स हैं मतलब जो हम यूज़ करते हैं जिसमें रिस्पॉन्सि डिस्प्ले एड्स भी होते हैं और आपके मोबाइल स्पेस एड्स होते हैं और आपके मतलब हर तरह का मतलब इसके अंदर आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करता है जो आप अगर आप इमेज के फॉर्म में कोई मार्केटिंग करना चाहते हैं तो बेसिकली डिस्प्ले एड्स हम यूज़ करते हैं ब्रांड अवेयरनेस के लिए क्या जो आप हम हम लोगों को कन्वे कर सकें कि ये हमारा ब्रांड है और ये ये सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है तो एड्स आपके मोस्टली आपके पार्टनर साइट्स जो हैं गूगल की उसके ऊपर डिस्प्ले होते हैं आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्प्ले होते हैं आपके एंड्रॉयस के ऊपर होते हैं मतलब जो आप मतलब अगर आप मोबाइल यूज़र हैं एंड्रॉयड के तो आपको जो एड्स नज़र आते हैं जो भी एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल्स में यूज़ कर रहे हैं या कोई गेम्स खेल रहे हैं या वट एवर जो भी आप कैमरा की कोई ऐप आपने की हुई है तो जो एड्स नज़र आ रहे होते हैं बेसिकली वो एड्स डिस्प्ले एड्स के थ्रू फ्लैश हुए होते हैं तो वो आपको नजर आ रहे हैं और समटाइम आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख होते हैं तो फुटर में भी आपको ऐड नज़र आ रहा होता है जिसको आप छोटा सा एक बैनर फुटर में आ रहा होता है वो भी डिस्प्ले एड्स की एग्जाम्पल है जो गूगल अप, अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और अपने पार्टनर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्प्ले करता है शॉपिंग एड्स बेसिकली शॉपिंग एड्स जो है आ, ये हम यूज़ करते हैं मतलब ई e कॉमर्स के ऊपर ज़्यादा यूज़ होते हैं शॉपिंग से ही आपको आइडिया हो गया होगा इस चीज़ का शॉपिंग एड्स बेसिकली अप्रेड तो गूगल एड्स के अंदर ही होते हैं लेकिन इसको सेटअप करने का डिफरेंट क्राइटेरिया है डिफरेंट मेथड है जो इन शाला हम फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर इसको भी प्रॉपरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि शॉपिंग एड्स क्या होते हैं और ये किस तरह से डिज़ाइन होते हैं और इस ये किस तरह से कन्फिगर होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको इन डिटेल के साथ आपको फ्यूचर लेक्चर में इनशा तै एक्सप्लेन करूँगा शॉपिंग एड्स की एग्जाम्पल्स तो आ, आप ये ये एड्स भी डिस्प्ले होते हैं आपके सर्च रिजाइट्स के ऊपर ही ठीक है सर्च र से मुराद है जहाँ पे आपके सर्च टैक्स एड्स जो हैं डिस्प्ले होते हैं जो आप सर्च करते हो सर्च इंजन के ऊपर तो ये आपके आ, हेडर्स के ऊपर बेसिकली आ, आ, आ रहे होते हैं और अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह के होते हैं शॉपिंग एड्स मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ ये शॉपिंग एड्स के बारे में एक और चीज़ बता दूँ ये कुछ कंट्रीज में अभी तक अवेलेबल नहीं हैं ये जब स्टार्ट हुआ था तो एट दैट टाइम ये सिर्फ 14 कंट्री तक लिमिटेड था जहाँ पर ये शॉपिंग एड्स चल सकते थे जिसमें मतलब अमेरिका कैनेडा ऑस्ट्रेलिया ये कंट्री थी अब इसके अंदर इंडिया पाकिस्तान दोनों एड ऑन हो गई हैं कि यहाँ पर भी हम शॉपिंग एड्स चला सकते हैं तो मैं आपको एक इसका पिक्चर दिखा देता हूँ ये किस किस्म के होते हैं और किस तरह से ये आपके सर्च रिज़ल्ट के ऊपर शो हो रहे होते हैं तो वो मैं आपको इधर ही नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको उसकी इमेज अपलोड कर देता हूँ क्योंकि दे इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हाँ ये रिसेंटली पाकिस्तान में आ, हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अभी मैंने डिफरेंट जो ऑर्गेनइजेशन हैं उनके एड्स शॉपिंग एड्स मैंने बनाए हैं जो इन मैं प्रैक्टिकल वर्क करूँगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो मतलब किस तरह से मत प्रैक्टिकली दिखाऊँगा आपको ताकि आपको ज़्यादा बेटर आइडिया हो कि मैं आपको बुझाएँ डमी दिखाने के मैं आपको इनशाला तैयार कोशिश करूँगा कि रियल रिजल्ट आपको मैं दिखा सकूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग करना और उसको इंप्लीमेंट करना ईजी हो सके तो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी सर नज़र आ रही है यहाँ आपको ऐड नज़र आ रहा है जो मैंने अभी स्क्रीन शॉट मैंने लिया है बस इतना क्लियर नहीं है बस मैंने आपको आइडिया देना था कि ये इस तरह से शो होते हैं आपको टॉप पर आपके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं जिसमें नीचे प्राइसिंग आ रही होती है और जो भी प्रोडक्ट होती है उसका टाइटल आ रहा होता है और नीचे जो है स्टोर का नेम आ रहा होता है तो बेसिकली ये इस तरह से डिस्प्ले होते हैं और ये भी आपके सर्च रिजल्ट्स के ऊपर डिस्प्ले होते हैं और इसके भी पार्टनर प्लेटफॉर्म में अगर आप चाहें तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं बाकी शॉपिंग एड्स में आपको दो तरह की लिस्टिंग्स मिलती हैं जो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा एक तो आपके शॉपिंग एड्स होते हैं और दूसरा वो आपको साथ फ्री लिस्टिंग्स भी दे रहा होता है फ्री लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपके वर्ल्ड वाइड वो आपको मार्केट कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ योर प्रोडक्ट इमेजेस जब कोई यूज़र आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च कर रहा है लेट्स से कोई नाइक शूज़ लिखता है तो वो इमेज जो आएगा तो सम टाइम वो फ्री लिस्टिंग का इमेज आपको दे रहा होता है टॉप ऑफ द रिजार्ट तो वो वहाँ से भी आपको आपको बिज़नेस आपका वहाँ से भी जनरेट होता है तो ये तो बेसिक आपको शॉपिंग एड्स का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि शॉपिंग एड्स होते क्या हैं और वो नज़र कहाँ पर आते हैं और किस तरह से नज़र आते हैं इसके बाद हम चलते हैं वीडियो एड्स के ऊपर वीडियो एड्स बेसिकली लेट से आप आप का यूट्यूब चैनल है आप उसकी मार्केटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए जो हम एड्स यूज़ करेंगे वो वीडियो मार्केटिंग एड्स होंगे जितनी भी आप मार्केटिंग करोगे उसके लिए जो प्लेटफॉर्म यूज़ होगा गूगल का वो यूट्यूब होगा और गूगल उसको जो भी एड्स आपके मार्केट करेगा वो आपके यूट्यूब के ऊपर मार्केट करेगा आपने एड्स देखे भी होंगे आप कोई सॉन्ग प्ले करते हो या कोई वीडियो प्ले करते हो या कोई मूवी देखते हो तो आपको सर्टेड एड्स बीच में आते हैं जिनको आप स्किप करते हो और वीडियो एड्स की भी काफ़ी टाइप्स हैं जिसमें आपके बम्पर एड्स आ जाते हैं और आपके इन लाइन स्ट्रीम इन स्ट्रीम एड आ जाते हैं और बहुत सी चीज़ें इसकी भी बहुत सी टाइप्स हैं जो हम फर्दर जब हम इस सेक्शन पर आएँगे प्रैक्टिकली तो वो मैं आपको एक्सप्लें करूँगा कि वो किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरह से वो एड्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं तो ये एक बेसिक उसके साथ वीडियो एड्स का एक थोड़ा सा आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसके बाद आ जाते हैं ऐप प्रमोशन्स के जो एड्स होते हैं ये आ नाम से सारे आपको ज़ाहिर होगा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो टाइप्स हैं इनकी इसमें बेसिकली हम कोई भी ऐप है उसको प्रमोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाउनलोड्स यूज़र को इंक्रीज करने के लिए एलट से आपकी कोई ऐप है या कोई कंपनी है जिसकी ऐप की प्रमोशन आपने करनी है तो उसको हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केट करते हैं और आ, हमारा जो एंड गोल होता है हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है मोस्टली टू गेट डाउनलोड्स ठीक है तो फिर हम उस ऐड को जो भी है प्लेसमेंट्स जो होती हैं हमारी जो ऑडियंस होती है वो किस तरह से होती है वो इन शाह मैं ऐप के सेक्शन में एड डिज़ाइन करूँगा तो वो मैं आपको बताऊँगा प्रैक्टिकली कुछ मैंने ऐप कम्पेन्स चलाई भी हुई हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एट डेट टाइम इन शाला तलबा आपको प्रॉपरली एक चीज़ का आइडिया हो जाए कि यार ऐप कम्पेन चलती कैसे है और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं वो मैं इनशाला तक को करूँगा तो आखिरी टाइप में आपकी ये आ जाती है स्मार्ट एड्स स्मार्ट एड्स बेसिकली जब भी आप एडवर्ट का कोई अकाउंट बनाते हो या एज अ बिगनर जब आप एडवर्ट्स को ज्वाइन करते हो तो गूगल आपको एक स्मार्ट एड्स का एक फीचर देता है कि आप स्मार्ट एड्स डिज़ाइन कर सकते हो वो भी इन तरह मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा लेकिन स्मार्ट एड्स बेसिकली फॉर बिगनर्स होते हैं और इनका जो रिज़ल्ट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना हम बाकी एड्स कंपेन जो मैनअली हम सेटअप करते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रेटी के साथ सेटअप करते हैं उस तरह से इससे हम रिजल्ट नहीं ले पाते ये बेसिकली डिज़ाइन करते हैं हम विद दी हेल्प ऑफ ए आई सिस्टम जो है गूगल का उसकी हेल्प से हम इसको डिज़ाइन करते हैं और ये बहुत ईजी होता है डिज़ाइन करना जस्ट आपने एडवर्ट अप किया और उसके बाद आपने जो भी पेमेंट है वो लगा कर आपने एक कंपेन क्रिएट कर दी आपको वो स्टार्ट में देता ही स्मार्ट कम्पेन का ऑप्शन है जिसको आपने स्किप करना होता है अगर आप आप माशा इनशा इनशा प्रोफेशनल्स बनेंगे तो आपको वो स्किप करना होगा क्योंकि आप स्मार्ट एड्स से वो रिजल्ट नहीं ले सकते जो आप दूसरे एड्स टाइप से आपको रिजल्ट मिलते हैं और स्मार्ट एड्स के ऊपर एक चीज़ ये है कि इसके ऊपर आपका कंट्रोल फुली आपका कंट्रोल नहीं होता चूंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम के मुताबिक चल रहे होते हैं प्रॉपर और उससे हम वो प्रोडक्टिविटी वो चीज़ हम नहीं गेट कर पाते जो हम बाकी टाइप से गेट करते हैं ठीक हो गया गूगल <coughs> एड्स का जो स्ट्रक्चर है ठीक है उसमें जो बेसिक मेन लेवल का जो है उसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या होता है कंपेन सेटअप करते हैं पहले हम उसके बाद उस कम्पेन में एड ग्रुप्स होते हैं और उसके बाद एड्स होती हैं ठीक है आप कम्पेन के अंदर आपकी डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या सेटिंग्स हैं उनका क्या यूटिलाइज उनको हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको आ, मतलब मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम मद्देनज़र रखेंगे जब उनको सेटअप करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर टारगेट फिर उस कम्पेन के अंदर आपके ऐड ग्रुप बनते हैं ठीक है उस एड ग्रुप के अंदर आपके की होते हैं एड ग्रुप के अंदर आपके की होते हैं, ठीक है ये बात आपने याद रखनी है कि ग्रुप में आपके की होते हैं, जो आप टारगेट कर रहे होते हो ठीक है? और जो आपका तीसरा सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट सेक्शन वो है एड्स जो आपके एड्स होते हैं वो एड्स सेक्शन में होते हैं और वहां पर आपको नजर आ रहे होते हैं ठीक है तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है गूगल एड्स का कि कंपेन कंपेन के अंदर आपके एड्स ग्रुप और एड्स ग्रुप के बाद आपका सेक्शन आता है एड्स का ठीक है आगे मैं क्योंकि ये कुछ जो चीज़ें हैं मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ना प्रॉपरली आइडिया हो कि यार जब हम कंपेन कोई डिज़ाइन करें तो हमें हर चीज़ का प्रॉपर पता हो कि हमने क्या क्या करना है और किस तरह से उन चीज़ों को आ, मतलब इम्प्लीमेंट करना है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की हैं इसके बाद जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इन शाह बहुत अच्छा अच्छे तरीके से समझ आएगा और बाकी आप इनको जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप इनको ख़ुद भी रिसर्च करें और कोई क्यूरी हो तो आप इसको आप नेक्स्ट लेक्चर में या एट दी एंड ऑफ अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई क्यूरी है आपके माइंड में कोई क्यूरी आती है तो वो आप एंड ऑफ द लेक्चर भी कर सकते हैं कमिंग लेक्चर में भी कर सकते हैं कोई इशू नहीं है आपको ठीक है नेक्स्ट हम आते हैं की वर्ड्स एड जो हम गूगल एड्स में कीवर्ड यूज करते हैं उनकी टाइप्स उनकी बेसिकली फोर टाइप्स है ठीक है ना मतलब आप मेजर टाइप्स आप कह लो थ्री हैं ठीक है ना ब्रॉड मैच ब्रॉड मैच की वर्ड्स होते हैं मोडिफायर ब्रॉड मैच की वर्ड्स होते हैं फ्रेज मैच की वर्ड्स हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट मैच यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा क्योंकि ये आपको स्टडी uh, पर्पज से आपको बताना ज़रूरी है कि ब्रॉड मैच और मोडिफायर ब्रॉड मैच कमिंग जो है ईयर इसमें ये दोनों टाइप्स ख़त्म हो जाएंगे और इन दोनों टाइप्स को वो मर्च करेंगे फ्रेज मैच के अंदर ठीक है तो इसको भी मैं थोड़ा सा जब प्रैक्टिकली हम काम करेंगे तो इन श्ल्ला मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और एक और चीज़ कहूँगा बींगा प्रोफेशनल आप जब काम करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आपने इसके ऊपर जो भी चेंजेस हैं जो नई अपडेट्स आ रही हैं या जो पुरानी अपडेट्स थी और आपने इनके ऊपर आई रखनी है कि यार अब हमारे गूगल एड्स में क्या चेंजेस आई हैं अलव्रदम वाइस क्या चेंज आया है जब तक आपकी आई इन पे नहीं होगी आप उस तरह से प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाएंगे तो अभी जो ब्रॉड मैच और मोडिफायर ब्रॉड मैच की हैं ये इन फ्यूचर ट्वेंटी ट्वेंटी टू में uh, और आई गेस इन मे ये ये दोनों टाइम्स ख़त्म हो जाएंगे ये दोनों टाइप्स ख़त्म होंगी और इनको मर्ज कर दिया जाएगा फ्रेंड्स मैच के अंदर इनकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो इस मैथ के अंदर ऐड ऑन की जाएंगी कुछ इसमें जिसकी वजह से ये दोनों को बंद किया जा रहा है ठीक है और बहुत से फीचर्स ऐसे हैं अभी जब गूगल एडवर्ड्स था तो बहुत से फीचर ऐसे हैं जो अब हैं पहले नहीं थे जैसे एड्स की लेंथ अब जो है पहले उस तरह की लेंथ नहीं थी मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब हैं पहले जो पहले यूजर जो यूज कर चुके हैं गूगल एड्स उनको वो चीजें उस वक्त मुयस्सर नहीं थी जो अब इस टाइम पे आपको जो फीचर मिल रहे हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अब मैं इन दोनों को थोड़ा डिफाइन करूँगा इन चारों को थोड़ा सा ताकि आपको आइडिया हो कि ये किस तरह की चीज़ें हैं फ्रॉड मैच की वर्ड वो की होते हैं जब हम आ, इसको यूज़ करते हैं बेसिकली तो इसका जो क्राइटेरिया है नेट से मैंने एड ग्रुप के अंदर जो की ऐड किए हैं नेट से मैं ऐड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ठीक है तो अगर मैंने ऐसे ऐड किया है अपने एड ग्रुप के अंदर की तो ये ब्रॉड मैच होगा इसके साथ कोई साइन आपको नज़र नहीं आ रहा कोई सिंबल आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये डिटरमिन करता है कि ये ब्रॉड मैच की है ठीक है अब वैसे भी जब आप ऐड कर लेते हो तो आपको सेक्शन में नज़र आ रहा होता है वो गूगल के कॉलम्स में कि ये ब्रॉड मैच की है ठीक है वो कोई आप इतना ज़्यादा नहीं है जब मैं आपको इंटरफेस के ऊपर लेकर जाऊंगा तो वो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी बता रहा हूँ कि आपको जब मैं डैशबोर्ड वगैरह दिखाऊंगा तो आप उस कंफ्यूज ना हो ब्रॉड मैच टर्म में जो है आपको मैक्सिमम रीच मिलती है और रेलीवेंसी कम होती है ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एड्स में दिया हुआ है ब्रॉड मैच फीवर्ड ठीक है तो इसका नुकसान क्या है वो ये है कि मेरा लॉट ऑफ बजट स्पेंड होगा और मुझे रिजल्ट्स जो मेरे रेलीवेंट रिज़ल्ट हैं वो कम मिलेंगे क्यों कम मिलेंगे क्योंकि मैंने ऐड किया हुआ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अब आप सर्च कर रहे हो लेट्स एज अ यूजर आप सर्च करते हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज तो मेरा ऐड ट्रैगर हो जाएगा क्योंकि ये मैंने ब्रॉड टर्म्स में डाला हुआ है ठीक है क्योंकि उसने ये मैच कर रहा है उससे मेरी थ्यूरी से मैच कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज तो ये ट्रैगर हो जाएगा ऐड लेकिन मैं तो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा मैं तो कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए रेलिवेंट ट्रैफिक नहीं होगी तो इससे क्या होता है कि रीच तो आपको ज़्यादा मिल जाती है ज़्यादा ज़्यादा आपका ऐड शो होता है ज़्यादा लोगों तक आपका ऐड जाता भी है लेकिन आपको रेलीवेंट क्लिक्स नहीं मिलते जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका बजट एग्जॉस्ट हो जाता है और आप वो रिजल्ट नहीं ले पाते जो आपको लेने हैं तो समाइम Uh, इसका ये ज़्यादा मतलब आपको आपको ऊपर मैंने मेंशन भी किया हुआ मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेलिवेंसी होती है आपकी सर्चिंग में तो इसका ये ये नुकसान है कि हमारा ऐड हर दफ़ा डिजिटल मार्केटिंग के टर्म के ऊपर शो हो जाएगा ठीक है चाहे वो टिप्स सर्च कर रहा है चाहे वो वट एवर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई चीज़ देख रहा है वो कोर्स को लुक नहीं कर रहा तो वो हमारा इन रेलिमेंट क्लिक हो जाएगा ठीक है तो डिजिटल मार्केटिंग सॉरी यह ब्रॉड मैच को हम किस तरह से मैनेज करते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा और कमिंग सेक्शन में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे हम इसको जो है एड्रेस कर सकते हैं और इसके क्लिक्स को कैसे रोक सकते हैं आगे आ जाता है मोडिफायर ब्रॉड मैच ये बेसिकली स्लाइटली लोअर रीच होती है इसकी एज कंपेयर टू ब्रॉड मैच लेकिन होते ये भी ब्रॉड मैच है लेकिन इनकी रेलिवेंसी ज़्यादा होती है वो कैसे मैं आपको बताता हूँ इसके जो साथ सिंबल यूज़ होते हैं वो ऐसे यूज़ होता है डिजिटल मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने की वर्ड दिया डिजिटल क्लास का साइन साथ लगाऊंगा और मैं ये आपको बताऊंगा ये सिंबल मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ डिजिटल आर्किटिंग आप प्लस का साइन मैंने साथ लगाया ये सिंबल है मोडिफायर हम आ, मोडिफायर ब्रॉडमैड कीवर्ड का सिंबल है कि हमने प्लस का साइन लगा दिया इसका मतलब ये है कि जो यूज़र आपका गूगल पे आके सर्च करता है ये थ्री टर्म्स उसके अंदर होंगी तो आपका एड ट्रैगर होगा रेदर देन दैट अगर कोई लिखता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज तो आपका एड ट्रैगर नहीं होगा क्योंकि उसमें कोर्स मिस है आपने इसको लाजमी कर दिया कि ये थ्री टर्म्स होंगी तो आपका, हो, आपका हो, तो की तो है? लेकिन आपकी बढ़ जाती है आप राइट right ऑडियंस तक आपका एड जा रहा है या राइट right सर्चर तक आपका एड डिस्प्ले हो रहा है ठीक है इसके बाद आ जाते हैं फ्रेज मैच के ऊपर फ्रेज मैच की मीडियम रीच है और मीडियम ही रेलिवेंसी है फ्रेज मैच की एग्जाम्पल में सिंबल जो यूज होते हैं वो इन्वर्टेड जो कॉम्स होती हैं वो यूज होते हैं लेट्स से मैं यूज करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ठीक है तो ये है फ्रेज मैच बेसिकली जो भी यूजर जब गूगल के ऊपर आके सर्च करेगा तो अगर आपका जो आपने फ्रेज मेंशन किया हुआ है वो अगर उसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो आपका एड ट्रैगर हो जाएगा सीक्वेंस मैटर ठीक है ना कोर्स अगर वो पहले लिख देता है डिजिटल मार्केटिंग बाद में लिख देता है तो वो आपका एड ट्रैगर करेगा आपका फ्रेज मैच होना चाहिए ठीक है ना आपने जो फ्रेज लिखा है उसकी सर्चिस के अंदर वो फ्रेज आ रहा है तो आपका एड ट्रैगर हो जाएगा ठीक है इसके बाद आ जाता है एग्जैक्ट मैच एग्जैक्ट मैच नाम से आपको जाहिर है कि एग्जैक्ट मैच जब तक वो एग्जैक्टली exactly वो चीज़ लिखेगा नहीं आपका ट्रैगर नहीं होगा ठीक है लेट से इसका जो आ, सिंबल यूज़ होता है इसके लिए वो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होती हैं लेट से मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जब तक आपका यूज़र डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं लिखेगा आपका एड डिस्प्ले नहीं होगा लेट से एक बंदा लिख देता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद तो भी आपका एड ट्रैगर नहीं होगा क्योंकि वो उसने आपने एक्जैक्टली इस की वर्ड को मैच करवाना है जब तक कोई यूज़र आपका ये की वर्ड नहीं लिखेगा तब तक आपका एड ट्रैगर नहीं होगा तो ये एक बेसिक आपको मैंने थोड़ा सा जो हम अपने एड्स के लिए जो की यूज़ करते हैं उनके बारे में बताया कि कौन कौन से की हम यूज़ कर सकते हैं और उनका क्राइटेरिया क्या होता है उनकी जो आपके लिए स्पेसिफ़िकेशन हैं वो क्या होती हैं अकॉर्डिंग टू आवर बिज़नेस नीड हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं उसमें बिज़नेस नीड्स भी आ जाती हैं आपकी आपका बजट भी आ जाता है आपका बजट कितना है ताकि हम उतना प्रिसाइजली अपने यूज़र को या ऑडियंस को टारगेट करें अपने बजट को देखते हैं तो फिर उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग फिर हम आ, ये इन इन टाइप्स में से कोई टाइप्स यूटिलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड ठीक है तो ये बेसिकली ये एड टाइप्स हो गई हैं अब मैं आपको आगे एक जो मैंने लिखा है सिंबल्स जो हैं एग्जैक्ट मैच का ये सिंबल है अगर कोई यूजर मैंने आपको एक्सप्लेन में किया जो सस्ट डेट बी ट्रैगर ऑन होंगी जो आपके एड से वो प्लास्टिक सर्जन भी ट्रैगर हो सकता है और सर्जन्स भी ट्रैगर हो सकते हैं क्योंकि इसकी इंटेंट जा रही है ठीक है लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं प्लास्टिक सर्जन इन इस्लामाबाद या इन लाहौर तो यह एट ट्रैगर नहीं होगा ठीक है इसी तरह आपका फ्रेज मैच आ जा जाता है कि इसमें आपका मैंने जिस तरह बताया था कि आपका जो सीक्वेंस है वो भी मैटर नहीं करता सम टाइम लेकिन आपका जो क्यूरी करने वाला बंदा है उसके फ्रेज में मतलब आपका जो फ्रेज मैच की वर्ड है उसके पूरे सेंटेंस या फ्रेज के अंदर आ रहा है तो वो ट्रैगर हो जाएगा इसी तरह ब्रॉड मैच ओपन है प्लास्टिक सर्जन किसी ने लिखा है तो कॉस्मेटिक सर्जन को लिखता है तो भी ट्रैगर होगा क्योंकि सर्जन का वर्ड ब्रॉड मैच है तो वो सर्जन वाला आपका जो वर्ड है वो ट्रैगर उस उसकी वजह से ट्रैगर हो रहा है क्योंकि ये ब्रॉड मैच है कोई एक भी चीज़ आपकी मैच कर गई है वर्ड में तो उसने आपको हिट कर देना है एड को इसी तरह ब्रॉडबैंड आइडेंटिफायर है जिसमें आपका आ, प्लास्टिक या सर्जन से रिलेटेड अगर कोई आप इंटेंट बेस्ट की वर्ड या सेनोनम भी यूज करते हैं तो वो ट्रैगर हो सकता है क्योंकि उसकी इंटेंट आपके वर्ड्स की तरफ जा रही है लेकिन वो ये मेक श्योर करेगा कि आपके जो यूजर ने जो सर्च किया है उसका जो आ, आपने की वर्ड दिया है वो दोनों चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए रदर दैन डेट आपका एड ट्रैगर नहीं होगा अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बताऊंगा कीवर्ड्स में इनको हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं और किस तरह से लेके चलते हैं वो है नेगेटिव की नेगेटिव की हम यूटिलाइज करते हैं इनके अंदर जो इन रेलिवेंट सर्चिज़ आ रही होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया ब्रॉड मैच में हमारी इन इलीवेंट सर्चिज़ आती हैं बहुत ज़्यादा अगर आपने ब्रॉड मैच यूज किया हुआ है तो आपको चाहिए कि आप जो अपनी इन रेलिवेंट सर्चिज़ आ रही हैं उनको एज अ नेगेटिव की अपनी कंपेन में ऐड कर दें ताकि आपका एड इन फ्यूचर उन इनरेलीवेंट टर्म्स के ऊपर ट्राई ना हो ताकि आपका जो बजट एग्जॉस्ट हो रहा है इन इनरेलीवेंट टर्म्स के ऊपर वो आपका बजट एग्जॉस्ट मत हो तो हम ब्रॉड टर्म्स फ्रेश टर्म्स को भी एग्जैक्ट मैथ को भी हम नेगेटिव की वर्ड्स एड करके अपनी इन सर चीज को जो आपकी मतलब प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो बाय एड्स जिसकी आप प्रमोशन कर रहे हो तो वो उसके अगेंस्ट जो इनरेलीवेंट सर्चेज आ रही हैं आप उनको नेगेटिव कर दो ताकि तो फ्यूचर में आपको इनरेलीवेंट सर्चेज के ऊपर क्लिक ना आए और आपका बजट एग्जॉस्ट ना हो तो नेगेटिव एड्स सॉरी नेगेटिव की वेरी इंपॉर्टेंट वो आपको ऐड करने ही पड़ते हैं समटाइम आप अपनी जब कम्प्लेट डिज़ाइन करते हो जब माशाल्लाह आपको एक्सपीरियंस होगा कम्प्लेंट डिज़ाइन करने का तो ऐट दैट टाइम यू नो के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इस इस सर्चिस से भी मेरा एड शो हो सकता है जो इनरेलीवेंट है वो आप पहले ही अपने नेगेटिव कीवर्ड्स के सेक्शन में वो नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर दोगे उसमें भी यही तरीका तरीकाकार है कि अगर आप ब्रॉडन नहीं उसको लेट्स मैं मैं एग्जाम्पल देता हूँ मैं कैरियर्स की है वो ट्रैगर ना हो डिजिटल मार्केटिंग कैरियर अगर कोई लिखे तो ट्रैगर ना हो ठीक है तो कैरियर्स को मैं क्या करूंगा? नेगेटिव की के सेक्शन में डाल दूंगा जब भी कोई सर्च करेगा कैरियर्स उसमें वर्ड आ रहा होगा तो हमारा एड ट्रैगर नहीं होगा क्योंकि वो हमारे लिए इनरेलीवेंट है हमें उससे क्लिक नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए इनरेलीवेंट है और हमारा बजट भी एग्जॉस्ट नहीं होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी गूगल एडवर्ड्स में गूगल एड्स में जो आपने यूटिलाइज करनी है ताकि आप अपने इरेलीवेंट टर्म्स को रोक सको क्योंकि आप जब एड्स चलाते हो तो आप जब देखते हो कि आपके जो सर, आपके आपके डैशबोर्ड में सारी सर्च टर्म्स आ रही होती हैं जिन जिन सर्च टर्म्स से आपका एड ट्रैगर हुआ है तो वो आप जब गो थ्रू करते हो तो उसमें जब आपको सर्च टर्म नजर आए जो आपके एलिमेंट है बिजनेस के तो आप क्या करोगे उसको आप एक मेथड ये है जो प्रैक्टिकली मेथड होता है कि आप उनको नोट डाउन करो एक शीट बना के पहले आप एक दिन का पूरा करके उसको नोट डाउन कर लो कि ये नेगेटिव सर ये हमारी इलिवेंट सर्चिस थी फिर आप वो शीट जब बना लो उसके बाद वो आप अपने नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड कर दो ताकि फ्यूचर में आपको इरेलीवेंट सर्चिज या इरेलीवेंट क्लिक्स ना आए ताकि आपका जो बजट है वो एग्जॉस्ट ना करें ठीक हो गया नेक्स्ट चलते हैं अंडरस्टैंडिंग जो डैशबोर्ड है वो मैं आपको इन शी कमिंग लेक्चर में जो है एक्सप्लेन करूँगा उससे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपरली हो ठीक है तो हम कम्पेन जब हम डिज़ाइन करते हैं तो जब हम कम्पेन क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट ऑप्शन हमें गोल्स के सिलेक्ट करने होते हैं कि हम वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने सेलेक्ट करना होता है ठीक है उसमें जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे होते हैं जब हम क्रिएट करते हैं कंपेन्स को जब हम एक एडवर्ट अकाउंट बना के और पहली कंपेन्न को जनरेट करते हैं तो ऐट देट टाइम आपके पास ये ऑप्शन आ रहे होते हैं जो आपने गोल्स अपने सेलेक्ट करने होते हैं कि आपका जो गोल है वो सेल्स है आपका गोल हो सकता है लीड्स हो या आपका गोल हो सकता है कि वेबसाइट पर ट्रैफिक आए या आपका गोल हो सकता है कि प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिड्रेशन करवानी है आपने यहाँ आपका गोल हो सकता है ब्रांड अवेयरनेस करवानी है और आपके एड्स को ज़्यादा रीच मिले यहाँ आपने यहाँ आप प्रमोशंस करवानी है तो यहाँ आप उसको क्रिएट विदाउट गोल्स कर सकते हो जिसको आप मैनुअली सेटअप भी कर सकते हो तो जो प्रोफेशनल होते हैं वो मोस्टली जो है क्रिएट विदाउट गोल्स करते हैं और अपनी मर्जी से अपना गोल एडजस्ट करते हैं और उसको सेटअप करते हैं उसके बाद कंपेन्स में आपका एक सेकेंड पॉइंट जो आता है वो आता है नेटवर्क आप कौन कौन से नेटवर्क के ऊपर अपना एड डिस्प्ले करवाना चाहते हो जैसे मैंने सर्च ऐड डिजाइन किया कंप्न डिजाइन की सर्च एड्स के लिए तो उसके ऊपर मुझे दो ऑप्शन आ रहे होते हैं कि आप इन नेटवर्क के ऊपर भी अपना एड डिस्प्ले करवाना चाहते हो या नहीं अगर मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट में वो चीज़ है या मेरे प्लान में है तो मैं गूगल सर्च नेटवर्क को तो मैं चेक करूंगा टिक मार्क कर दूंगा कि ये मुझे चाहिए मेरा एड्स इधर भी डिस्प्ले हो गूगल नेटवर्क में मैंने आपको लेक्चर uh, uh, के शुरू में एक्सप्लेन किया जो गूगल नेटवर्क हैं वो डिफरेंट गूगल पार्टनर्स हैं जहाँ पर गूगल अपना एड्स शो करता है जो रेलिवेंट जगह पे शो करता है मतलब जो आपके एड्स हैं वो इन रेलिवेंट प्लेसेस पे शो नहीं करता वो डिपेंड करता है अगर आपने ऑडियंस ख़राब सेलेक्ट की है या आपकी ऑडियंस ठीक नहीं है तो माइक भी इन रेलिवेंट जगह पर डिस्प्ले हो सकता है दूसरा सेक्शन है दूसरा जो नेटवर्क है वो डिस्प्ले नेटवर्क है जिसमें आप अपना एड अगर जो सर्च एड्स बना रहे हो आप चाहते हो कि यूट्यूब के ऊपर भी आए जो आ, फुटर में मैंने आपको डिस्प्ले एड्स की एग्जाम्पल दी थी वहाँ पर आपको टेक्स एड भी नज़र आते हैं जो आपके फुटर में आ सकते हैं या आपकी जो यूट्यूब के ऊपर आपका जो राइट जर्चिज वाला जहाँ पे वीडियोज आ रही होती हैं कॉलम होता है जिसके टॉप पे भी आपका एड्स आता है ठीक है तो वहां पर भी सर्च ऐड आ सकता है मतलब अगर आप इन नेटवर्क को सिलेक्ट करते हो ग्रेदर देन दैट अगर आप इनको सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपका ओनली गूगल सर्च इंजन के ऊपर आपका एड डिस्प्ले होगा आपका नेटवर्क के ऊपर ऐड डिस्प्ले नहीं होगा ना ही डिस्प्ले के ऊपर होगा अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने सर्च कम्पेन बनानी है और आपने सिर्फ सर्च इंजन को ही टारगेट करना है तो बाकी के लिए अगर आपने डिफरेंट कम्पेन्स बनाई हुई हैं ऑलरेडी तो फिर आपको इन दोनों नेटवर्क को अनचेक करना होगा क्योंकि आप ऑलरेडी आप कम्पेन्स चला रहे हो डिस्प्ले की भी और आ, उसके ऊपर आप अदर नेटवर्क भी यूटिलाइज कर रहे हो तो बेटर वे यही होगा कि हम खाली सर्च इंजन के ऊपर ऐड डिस्प्ले करवाएं ठीक हो गया यह मैं मैंने थोड़ी सी आ, इसकी डिटेल लिखी थी ताकि सर्च नेटवर्क जो है एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च एंड अदर गूगल साइट्स पीपल सर्च फॉर टर्म्स आर रेलिवेंट टू योर की मतलब जितनी भी पार्टनर साइट्स हैं उसके ऊपर भी आपका एड्स इसी तरह से डिस्प्ले होगा आप आ जाते हैं हम कंपेन लेवल की बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ें कंपेन लेवल के ऊपर सेट होती हैं ठीक है थीके? तो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको ऊपर सेक्शन बताया था कि कम्पेन हम डिज़ाइन करते हैं फिर एड ग्रुप डिज़ाइन करते हैं फिर आप एड डिज़ाइन करते हैं तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ कम्पेन को कम्पेन लेवल में हम पहले अपना गोल सेलेक्ट करते हैं जब कम्पेन बना रहे होते हैं फिर हम अपने नेटवर्क अगर चूज़ करना है तो वो करते हैं या नहीं करना होता तो हम खाली सर्च इंजन को चूज़ करते हैं वहां पे फिर उसके आगे आ जाता है कि उसकी जो आपकी टारगेट लोकेशन है वो क्या होगी ठीक है ये ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है आप जब अपना कोई ऐड चला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ऐड जो आपका टारगेट एरिया है, है लेट से आप एक रियल स्टेट कंपनी के लिए आ, काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा रियल स्टेट कंपनी इसके कहाँ कहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ठीक है ना तो मैं उन उन जगहों को टारगेट करूँगा यहाँ मेरा यूज़र कहाँ कहाँ पॉसिबल है किन किन एरियाज में पॉसिबल है कि वहाँ पर मेरा यूज़र हो जो ये बाय करें हमारी हमारे से हमारी सर्विसेज को बाय करें तो उन लोकेशन को अकॉर्डिंग टू टारगेट अकॉर्डिंग टू आवर कंपेन टारगेट हम उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे लैक से आप पाकिस्तान में टारगेट करना चाहते हो आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हो आप किसी स्पेसिफिक सिटी को टारगेट करना चाहते हो आप स्पेसिफिक सिटी को टारगेट कर सकते हो आप किसी स्पेसिफिक सिटी की स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो डेमोग्राफिक में जाके आप आ, उसको आप मैप के ऊपर आप रेडियस डिफाइन कर देते हो कि इतने एरिया में मेरा ऐड नजर आए इतने इससे बाहर मेरा ऐड लोगों को नजर ना आए तो मतलब आप इतना ज्यादा प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हो अपने लोकेशन को नेक्स्ट आप इसमें यह भी कर सकते हो कि लेट से मैंने पूरे पाकिस्तान में ऐड चला है और मैंने पूरे पाकिस्तान को टारगेट करना है लेकिन मैं चाहता हूँ लाहौर में ऐड मेरा शो ना हो इस्लामाबाद में ऐड शो ना हो क्योंकि ये दोनों जगह मेरे लिए मतलब यूज़फुल नहीं रही हैं या ऑलरेडी वी गेट लाउट ऑफ बिजनेस फ्रॉम देयर तो मैंने क्या कहा कि मैं पूरे पाकिस्तान में ऐड चलाना चाहता हूँ सिर्फ इन दो जगहों पे मैंने ऐड नहीं चलाना तो मैं क्या करूँगा लोकेशन में आपको एक इंक्लूड का ऑप्शन होता है कि आप अपनी लोकेशन को इंक्लूड कर सकते हो ठीक है और ये मैंने नीचे मैंशन किया वो एक्सक्लूड भी कर सकते हो तो उसमें आप जो टारगेट लोकेशन हैं उनको आप ऐड कर दोगे यहाँ अगर आपने पूरा पाकिस्तान टारगेट करना है तो वहाँ पे आप इंक्लूड लोकेशन में पाकिस्तान डाल के एक्सक्लूड लोकेशन में लाहौर और इस्लामाबाद डाल दोगे तो आपका ऐड पूरे पाकिस्तान में नज़र आएगा सिर्फ इन दो लोकेशन पे नज़र नहीं आएगा ठीक है अगली चीज़ आ जाती है आपकी लैंग्वेज लैंग्वेज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्योंकि अगर हम लैंग्वेज को राइटली सेलेक्ट नहीं करेंगे तो माइट भी uh, हम सम लोगों, सम लोगों ऑडियंस मिस कर दें यहाँ पर काफ़ी सी मिस्टेक्स होती हैंट से इफ़ जैसे मैं एक कंपनी के लिए मोर देन फाइव टू सिक्स इयर्स एक काम किया है तो वहाँ पर जब हम एड्स चलाते थे तो वहाँ पर आ, आ, जो है इंग्लिश के साथ साथ आई गेस स्पेनिश बोली जाती थी सेकंड लैंग्वेज वो है तो वहाँ पर हम दोनों को टारगेट करना होता था हो सकता है किसी के जैसे आप पाकिस्तान में यूज़ करते हैं तो आपका ब्रोज़र उर्दू में होता है समटाइम जिन जो लोग यूज़र होता है अपना ब्राउजर उर्दू में कर लेता है ताकि वो इजीली उसको यूज़ कर सके अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल हो सके उसके, उसके लिए तो क्या होता है कि उधर भी इसी तरह हो सकता है माइट भी किसी यूज़र ने स्पेनिश में अपना कन्वर्ट किया हो वो उससे ज़्यादा फमिलियर हो ज़्यादा ईजी हो उसके लिए यूज़ करना तो उनको हम रीच नहीं कर सकेंगे अगर हमने खाली इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की हो तो हमारा ऐप वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा उन डिवाइज के ऊपर जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है अगर इंग्लिश लैंग्वेज उन पर होगी तो हमारा ऐड डिस्प्ले होगा से मैं पाकिस्तान में चलाता हूँ अगर मैं उर्दू को सेलेक्ट नहीं करता फॉर एग्ज़ाम्पल जिन्होंने अपनी सेटिंग्स उर्दू में की हुई है जो यूज़र है या उसने अपनी सेटिंग यूज़ उर्दू में की हुई है तो वो जब सर्च करेगा तो आपका ऐड नज़र नहीं आएगा उसको क्योंकि आपने ऑनली इंग्लिश यूज़र को टारगेट किया हुआ है ठीक है तो लैंग्वेज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटर्मिन के उस एरिया में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और आपके जो डिवाइस हैं उन पर कौन कौन सी लैंग्वेज हैं पॉसिबिलिटीज है, है कि वो वो लैंगवेज हो सकती हैं तो इसलिए हम दोनों लैंग्वेज को जहाँ पर दो लैंग्वेज एक से ज़्यादा लैंगवेज़ बोली जाती हैं तो वहाँ पे फिर हम ऑल लैंग्वेज़ का फिल्टर लगा देते हैं ताकि जो भी कोई भी डिवाइस कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रही है तो वो ओपन हो जाए वहाँ पे हमारा एड्स वहाँ पे अगर वो हमारी सर्विस से रिलेटेड सर्च कर रहा है तो हमारा ऐड उसको नज़र आ सके ये ना हो कि वो लैंग्वेज की वजह से हमारा ऐड उसको नज़र ना आए फिर फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है वो बजट आ जाता है बजट फॉर कंपेन ठीक है हम कंपेन लेवल के ऊपर अपना बजट डिफाइन करते हैं ठीक है कंपेन लेवल के ऊपर हम अपना बजट डिफाइन करते हैं एड लेवल में हम बजट डिफाइन नहीं करते ना ही हम एड्स लेवल पे अपना बजट डिफाइन करते हैं हमारा जो बजट डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है कंपेन लेवल के ऊपर और जो हम डिस्कस हम कर रहे हैं ये सारी कंपनी लेवल की सेटिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं ठीक है अब आपने लट से एक दिन में हंड्रेड डॉलर का बजट रखा हुआ है तो सम टाइम गूगल क्या करता है नाइन्टी डॉलर स्पेंड करता है बाकी स्पेंड नहीं होता ठीक है सम टाइम गूगल आपका वन टेन डॉलर लगा देता है और बाकी स्पेंड नहीं होता मतलब ज़्यादा स्पेंड कर देता है सम टाइम सम टाइम कम स्पेंड करता है सम समाइम ज़्यादा करता है लेकिन जो बजट आपका डेली बेसिस का होता है जो लेट से सौ डॉलर है आपका डेली बेसिस पे और मंथली आपका थ्री थाउजेंड डॉलर होगा तो वो थ्री थाउजेंड डॉलर मंथली बजट से एक्सीड नहीं करेगा कभी भी एक्सीड नहीं करेगा योर मंथली बजट लेकिन हो सकता है वो डे बजट में आपको एक्सीड कर जाए समाइम होता है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड ज्यादा उसको पोटेंशियल नजर आ रहा होता है कि आपका पोटेंशियल यूजर अभी रहता है और आपका बजट वो लगा देता है ज्यादा सम टाइम लगा देता है सम टाइम कम लगाता है तो वो अकॉर्डिंग टू योर मतलब यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसको लगे गूगल गूगल को लगे कि आपका भी यूज़र पोटेंशियल यूज़र आ रहा है तो वो आपका एड्स कंटिन्यू रखता है ताकि आपको बिज़नेस मिले गूगल का एंड जितने भी एल्गोधम गूगल के बने हैं चाहे आप एस कर रहे हो चाहे आप पेड मार्केटिंग कर रहे हो तो बेसिकली जो भी एलगोरीदम बनाया जाता है वो स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी को आ, मतलब ब, बरकरार रखने के लिए बनाया जाता है ऑबियसली अगर ये लोग क्वालिटी नहीं देंगे तो यूज़र अगली दफ़ा इस पर आके कर नहीं करेगा तो दैट्स वाई दे आर क्वालिटी मतलब जो गाइडलाइन है वो बड़ी हार्ड होती हैं कि हमने उनको मैच करना होता है और इनका जो जो भी सर्च इंजन है कोई भी सर्च इंजन है उसका जो एंड गोल होता है कि यूज़र को क्वालिटी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है तो दैट्स वाई ये जो एल्गोरिथम डिज़ाइन हुआ हुआ है उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम मार्केटर्स काम करते हैं ताकि हम बेस्ट रिजल्ट ले सकें और अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकें तो कंपेन लेवल के ऊपर ही आपका बजट डिफाइन होता है कम्पेन लेवल के ऊपर ही आपकी लोकेशन डिटरमिन होती है कम्पेन लेवल के ऊपर ही आपकी जो है लैंग्वेज डिफाइन होती है और लोकेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आपकी डिफाइन होती हैं तो प्रीवियस में अगर बात की जाए अगर आपको अभी रिसेंटली जो है आपका बजट की जो टाइप्स है ना बेसिकली प्रीवियसली दो टाइप्स यूज होती थी आपकी जो एड डिलीवरी मैथड होता था यानी कि जो बजट आपका किस तरह से एग्जॉस्ट मतलब यूज़ होगा ठीक है एक स्टैंडर्ड मैथड था एक एसेलेटेड मैथड था एसेलेटेड मैथड अब ख़त्म हो चुका है ठीक है अब स्टैंडर्ड मैथड ही कॉन्टीन्यू है ठीक है एक्सेरेटेड मैथड मैं आपको इसलिए टच दे रहा हूँ क्योंकि कुछ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर एक्सेलेटेड मैथड अभी भी यूज होता है मिसाल के तौर पर आपको मैं बता देता हूँ मिंग्स एड्स जो है जिसको आप माइक्रोसॉफ्ट एड्स कहते हैं वहाँ पर अभी भी ये फीचर अवेलेबल है क्योंकि गूगल एड्स और बिंग एड्स बेसिकली टू सिमिलर मतलब आप कह लो कि डिटो कॉपी है आपका गूगल एड्स की बिंग एड्स जो है जीटो कॉपी है तो वही फंक्शनैलिटीज़ वहाँ पर भी हैं और वही प्लेटफॉर्म उसी तरह यूज़ होता है जैसे गूगल एड्स यूज़ होता है इसी तरह और प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो गूगल एड्स प्रोवाइड करता है जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट गूगल एड्स की होती है इसी तरह उन पर भी होती है तो एसनेटिक मैथड मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि मैं आपको बता सकूँ तो कि आप अगर किसी और जगह पर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर ये देखते हो फीचर तो आपको कोई इशू ना हो कि आप ही यार ये क्या चीज़ है एसनेटरी मैथड बेसिकली हम यूज़ करते थे इसलिए कि हमारा एड रेपली शो हो लेट से मैंने फाइव हंड्रेड डॉलर का बजट लगाया पार्ट है के ऊपर और मेरा एड मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी है बजट की डिलीवरी मेथड की वो मैंने एसिलेटेड रखी तो वो क्या करता था आपका एड रैपिडली शो करता था ताकि आपको आपका जो एड है वो पोजिशन को कैटर रखे जो सर्च इंजन के ऊपर जो पोजिशन होती हैं उनको कैटर करके रखे वो जगह मिस ना हो तो इसके लिए इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये था कि आपका बजट जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता था लेट से अगर आपने 500 डॉलर रखा है तो वो चार से पाँच घंटे में एग्जॉस्ट हो जाता था तो इससे क्या होता था कि सम टाइम आप मोस्टली ऐसा ही होता था कि आप प्रॉपर रिजल्ट नहीं ले पाते क्योंकि आपका क्या पता यूज़र आफ्टरनून में ज़्यादा अच्छा हो आपका क्या पता यूज़र नाइट में ज़्यादा अच्छा हो क्या पता आपका यूज़र मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा हो हर इंडस्ट्री का यूज़र डिपेंड करता है जब आपने कंपनी चलानी है ना तो इन फैक्टर्स को भी आपने मद्देनजर रखना है कि यार आपका जो चीज़ है ना किस तरह से मतलब आपने कंपेन चलानी है तो अभी जो करंटली मेथड यूज हो रहा है वो स्टैंडर्ड मेथड ही यूज हो रहा है स्टैंडर्ड मेथड में क्या होता है कि लेट्स से अगर आपने 500 हंड्रेड डॉलर बजट सेलेक्ट किया है अपनी कंपेन का और आपका वो बजट पूरे डे के ऊपर वो आप इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ वो पूरे डे के ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बजट आप वो मतलब पोटेंशियल यूज़र के ऊपर आपका ऐड को कोशिश उस ए सिस्टम की ये होती है जो क्वालिटी मैस जितने भी बने हुए हैं उसकी कोशिश गूगल की यही होती है कि आपका ऐड पोटेंशियल यूज़र को दिखाएँ तो वो आपका ऐड पूरे डे के ऊपर आपको अपने बजट यूज़ करना होता है ये नहीं होता कि आपका बजट एग्जॉस्ट हो जाए वक्त से पहले ही आपका बजट एग्जॉस्ट हो जाए ये ना होकर तीन चार घंटे में आपका पास बजट ही ना हो आपका आपकी जो रिमेनिंग डे है उस पर आपका ऐड चले ही ना जैसा ऐसे मेथड डिलीवरी मेथड में होता था ये मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी आप लोगों के लिए लिखी थी कि गूगल ऐड जो है स्टैंडर्ड डिलीवरी मेथड किस तरह से काम करता है क्योंकि आप 40 स्टैंडर्ड डिलीवरी मेथड रहा है तो इसके ऊपर जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि ये किस तरह से वर्क करता है और इसका क्राइटेरिया क्या होता है और इसमें जो गूगल का जो एक क्वालिटी फैक्टर वो ये है कि लोगों को मतलब एटलीस्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसको रिजल्ट डिलीवर कर सकें उसका बजट टाइम से पहले एग्जॉस्ट ना हो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जबकिटेड मेथड जो है ये टू थाउजेंड तक चल रहा था ठीक है टू में चेंजेस होना शुरू में अनाउंस हुआ कि टू में ये बंद हो जाएगा फिर ये शॉपिंग एड्स पे रह गया था अब शॉपिंग में एड्स के ऊपर भी ट्वेंटी ट्वेंटी में ये शॉपिंग एड्स के ऊपर भी फीचर ख़त्म हो गया ठीक है और डिस्प्ले एड्स और शॉपिंग एड्स जो भी थे दोनों पे ख़त्म हो गया मतलब अब गूगल एड्स के ऊपर एक्सेलरेटेड डिलीवरी मेथड एग्जिस्ट नहीं करता जो पास्ट में एग्जिस्ट करता था ठीक है इसके बाद आप अपनी कंपेन की स्टार्ट डेट डिफाइन कर सकते हो एंड डेट डिफाइन कर सकते हो लेट से अगर आपकी कम्पेन डिज़ाइन की हुई है ऑन जो स्पेसिफिक डेज के लिए तो आप उसको मेंशन कर सकते हो कि यार मेरी कंपेन जो है इस डेट पे इस टाइम पे चले इस डेट पे इस टाइम पे ये बंद हो जाए ये सारे मेथड आपके जो है ना ये कंपेन लेवल के ऊपर ही ये सारे सॉरी सेटिंग्स जो है कंपेन लेवल के ऊपर ही होती हैं ठीक हो गया जैसे हम इसकी मिसाल देता हूँ लेट्स आपका कोई क्लाइंट है जो यूएस का है या कनाडा का है या वट एवर किसी भी यूरोपियन कंट्री का हो सकता है तो आप का जो क्लाइंट है वो चाह रहा है कि मैंने क्रिसमस के ऊपर कंपेन चलानी है तो आप सर्टन डेट्स सेलेक्ट करके हैं जो ऑफर क्रिसमस के लिए उसने अनाउंस की हुई है उसकी मार्केटिंग करना चाह रहा है प्रमोशन करना चाह रहा है तो आप उन स्पेसिफिक डेट्स के ऊपर मैंशन कर दोगे कि इन इन डेट्स के ऊपर मेरी कम्पेन रन हो और ऑटोमेटिकली उसी डेट पे वो कम्पेन रन होती है और उसी डेट पे वो एंड होती है जो आपने मेंशन की होती है जो आपका एक सर्टन गोल होता है उस कम्पेन से तो वो आप जहाँ पर अगर आप डेट्स और स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट मेंशन नहीं करते हो जो ऑप्शनल होती हैं तो वो क्या होता है कम्पेन जब आप डिज़ाइन करते हो होड वगैरह डिज़ाइन करके एड ग्रुप वगैरह जब सारा करके आप करते हो तो वो इमिजिएटली आपका एड अप्रूवल के बाद रन होना शुरू हो जाता है ठीक है क्योंकि आपने उसमें डेट डिफाइन नहीं की इसका मतलब है कि इमीडिएटली आपने उसको रन करना है अब इसको मज़ीद आगे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा जो आपके कंपेन लेवल के ऊपर जो एडिशनल जो सेटिंग्स हैं इसके अंदर जब मैं आपको डैशबोर्ड शो करूंगा तो आप को जो मेजर सेटिंग्स मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दी हैं जो एडिशनल सेटिंग होती है वो आप एडिशनल सेक्शन uh, के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो वो पॉपअप होती हैं वो एडिशनल सेटिंग्स आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और फिर इन ताला इसको फर्दर फर्दर आपको इनके बारे में बताऊँगा भी। कन्वर्जेंस कन्वर्जन बेसिकली सेक्शन आता है जहाँ पर आपको जो है ना कन्वर्जेंस का बताना होता है कि मैंने जो ये कंपेन डिज़ाइन की है इसके ऊपर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है लेट्स से आपने ऑब्जेक्टिव ऑबजेक्टिव रखा हुआ सेल्स का तो आपको वहाँ पे जो है सेलेक्ट करना होगा ठीक है या आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हो क इसमें दो तरह के ऑप्शन आ रहे होते हैं कन्वर्जन सेटिंग में एक होता है यूज़र यूज दी अकाउंट लेवल इंक्लूड्स इन कन्वर्जन सेटिंग जो आपके अकाउंट्स में कन्वर्जन बनी है ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से वो कैलकुलेट करे आपकी लीड्स जो भी आपकी कन्वर्जन है वो कैलकुलेट करें जहाँ आप ये कर सकते हो कि आप चूज़ कन्वर्जन एक्शन फॉर दिस कम्पेन आप उस कम्पेन के लिए कोई स्पेसिफ़िक एक्शन चूज़ कर लो लेट से मैं मैंने वो कम्पेन डिज़ाइन की है कि मुझे उस कम्पेन की हेल्प से कॉल्स रिसीव हो मैं ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए कि मेरे पोटेंशियल कस्टमर की मुझे कॉल्स आए तो मैं वहां पर जो कन्वर्जन एक्शन रखूंगा वो कॉल्स रख दूंगा ताकि वो मैंने कम्पेन डिज़ाइन ही उस लिए की थी कि लोग मुझे कॉल्स करें और वो मैं ट्रैक कर सकूं अगर मैं ऊपर वाली सेटिंग सेलेक्ट करता हूं तो जो भी मैंने कन्वर्जन गोल सेलेक्ट किए हुए हैं बनाए हुए हैं वो तो ऑटोमेटिकली अगर मैंने कॉल भी बनाया हुआ है वेबसाइट फॉर्म सबमिशन भी बनाया हुआ है ई मेल सबमिशन भी बनाया हुआ है तो वो सारे ट्रैक होंगे और वो उस कन्वर्जन सेक्शन में आ रहे होंगे कि भाई इस कंपेन की वजह से ये ये एक्शन परफॉर्म हुए ठीक है तो बेसिकली ये चीज़ें आपको मैं जब डैशबोर्ड आपको मैं बताऊंगा दिखाऊंगा प्रॉपर तो उसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा दूसरा हमारा आ जाता है वैल्यू और रूल सेट हमने कोई वैल्यू सेट करनी है कन्वर्जन की या कोई रूल सेट करना है कन्वर्जन का वो भी कर सकते हैं हम लेट से आपकी आप, आप कोई एक सिंगल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो लेट से कोई भी प्रोडक्ट है जिसपे आप काम कर रहे हो आप उसकी सेल कर रहे हो लेट से आप, आप औरिएंट की एल सेल कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि आपको पता है कि उसकी प्राइस क्या है उसकी वैल्यू क्या है उस ऑर्डर की वैल्यू क्या है वो आप दे दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग में आपकी वैल्यूज़ जो आपने दी होंगी वो भी आ रही होंगी लेट्स अगर 10 सेल्स हुई हैं तो 10 अगर आपने एक की वैल्यू हंड्रेड डॉलर रखी है तो वो आपको थाउजेंड डॉलर्स की वैल्यू आपको कन्वर्जेंस दे रही है तो आप अपनी कन्वर्जेंस की वैल्यूज़ भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो कमवर्जन परफॉर्म हो रही है तो इसकी जो वैल्यू है वो ये है तो आप सर्टन अमाउंट में जो आपको पता है अगर आपके प्रोडक्ट न्यूम्रस प्रोडक्ट हैं तो वहाँ पर ये आप इसको चेक ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है वो हम फिर आ, और वे से और अपनी रिपोर्टिंग से निकाल लेते हैं कि ये सेल्स इस तरह से आई हैं तो वो ऑबियसली डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइस होती हैं तो हम एक वैल्यू नहीं ले सकते अगर हमने अगर हमारे पास चार से पाँच प्रोडक्ट हैं तो फिर हम चूँकि प्रोडक्ट चार से पाँच हैं तो इतनी मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है तो उसको हम डिफरेंट रूल्स के साथ हैंडल करते हैं तो उसमें हम रूल्स बना देते हैं आ, उसकी मदद से फिर हम प्रॉपरली वैल्यू को ट्रैक कर सकते हैं तीसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास एडिशनल सेटिंग में एड रोटेशन ऐड रोटेशन बेसिकली हम आ, उसमें हम आ, ये बताना होता है एड जो हमारा कोई भी यूज़र जब एड सर्च करता है तो जो हमारा ऐड शो होता है तो उसके ऊपर ये मतलब वो डिलीवरी रोटेशन किस तरह की हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं कि पहला है ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स मतलब आप इसको ऑप्टिमाइज करो और वो एड्स शो करो जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है सर के ऊपर दूसरा ऑप्शन है डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इनडेफिनेटली मतलब आप सारे एड्स को आ, मतलब आ, ट्रैगर करो ठीक है ना ये नहीं है कि आपको जो एक अगर आपने एक एड एड ग्रुप में मतलब तीन ऐड डिज़ाइन किए हुए हैं तो तीनों के तीनों आपके डिस्प्ले होने चाहिए तो फिर हम सेकंड ऑप्शन को यूटिलाइज करेंगे अगर हमने पहला ऑप्शन यूटिलाइज किया हुआ तो फिर उसमें उन तीन एड्स में से जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है तो ऑलवेज वही ट्रैगर होगा सर्टन की के ऊपर जो हमारी उस एड ग्रुप में जो भी की होंगे वो उन पर वही एड ट्रैगर होगा जो ज़्यादा अच्छा ज़्यादा जा बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो बेसिकली ये जो है मतलब एट डिलीवरी रोटेसन्स की मतलब मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है और नीचे वाले जो दो ऑप्शन हैं ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन तो ये आपका सर्टन क्राइटेरिया होता है आपकी कन्वर्जनस का उसके ऊपर ये एलिजिबल होते हैं ठीक है रोटेट ईवनली ये भी आपको सर्टन अमाउंट में गूगल को डाटा चाहिए होता है मतलब सर्टन अमाउंट में चीज़ें चाहिए होती हैं तब ये आपका सेक्शन एलिजिबल होता है आफ्टर सम टाइम जब आप कंपेन चला रहे होते हैं मतलब एक से दो माह के अंदर डिपेंड ऑन योर बजट डिपेंड ऑन योर ऑडियंस जितनी ऑडियंस आई होती है उसकी बेस के ऊपर ये ऑप्शन आपके एलिजिबल होते हैं ठीक हो गया अब आ जाते हैं हम बिडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर जो हम बिडिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं वो दो तरह की होती हैं एक होती है ऑटोमेटिक बिडिंग एक होती है मैनुअल बिडिंग ये दोनों हम कंपेन लेवल पे ही सेलेक्ट करते हैं दोनों हम चूज़ करते हैं कंपेन लेवल के ऊपर जब आप आपको कंपेन डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम जो कंपेन के अंदर जो हमारा टारगेट होता है उसको लेकर उसकी बेस के ऊपर हम अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी जो है वो चूज़ करते हैं लेट्स से अगर मेरा टारगेट है कन्वर्जेंस मैं कम्पेन बना रहा हूँ मेरा टारगेट है कन्वर्जन लेना तो मैं वो बेडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करूँगा जिसका एंड मतलब कन्वर्जन हो जिसका ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन हो तो मैं वही कम्पेन मतलब वही फीचर वही स्ट्रेटजी उसको ही मैं अपॉप करूँगा अब मैं आपको नीचे बताता हूँ जो रिकमेंडेड बाई गूगल्स हैं वेडिंग मैथड जो वो रिकमेंड करते हैं कि हम ये मैथड यूटिलाइज करें इसमें पहले आ जाता है कन्वर्जन कन्वर्जेंस मैंने आपको बता दिया है कि मतलब हमारा जो टारगेट होगा इस कंपेन को लेके वो ऑब्जेक्टिव होगा वो कन्वर्जेंस होगा तो वो फिर गूगल का जो ए सिस्टम है वो उसी तरह से बिहेव करेगा और वो कोशिश करेगा कि वी गेट कन्वर्जन्स मोर कन्वर्जन्स बाई यूजिंग दिस बिल्टेटेजी ठीक है मतलब बिडिंग स्ट्रेटजी आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था वैसे अर्ली जो बिडिंग होती है वो हमारी सर्टन अमाउंट होती है जो हम क्लिक पे दे रहे होते हैं या इंप्रेशन के ऊपर दे रहे होते हैं वो हमारी सर्टन अमाउंट होती है ठीक है जो हम खुद डिफाइन कर रहे होते हैं ठीक है तो कन्वर्जेंस के अंदर आपको जो ऑप्शन मिलता है तो आप अपनी एक कन्वर्जेंस को मैक्सिमम कॉस्ट भी दे सकते हैं कि या मुझे दो डॉलर में कन्वर्जन चाहिए मुझे दस डॉलर में कन्वर्जन चाहिए ठीक है तो वो मैं टारगेट सी इसके नीचे ऑप्शन आ रहा होगा जब मैं आपको डैशबोर्ड विज़िट कराऊंगा इन शाली नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर हमारा टोटली एक तो बनता कैसे है एडवर्ड्स का अकाउंट और उसके अंदर कंपेन्स के अंदर जितने भी ये सेटिंग्स हैं मैंने आपसे डिस्कस की हैं उनको मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊँगा ताकि आपको मतलब एक चीज़ प्रॉपरली प्रैक्टिकली आइडिया हो जाए उस कन्वर्जन में जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है जो ऑप्शनल होता है उधर हम वैल्यू दे सकते हैं कि लेट्स से वी वांट कन्वर्जन इन सिक्स डॉलर तो गूगल सम टाइम हमें उससे कम में भी ला के दे सकता है सम टाइम उससे एक्सीड भी कर सकता है वो हमारी कंपेन की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है हमारे एड्स पर डिपेंड करता है हमारे की वर्ड्स पर डिपेंड करता है और हमारी जो टाइम है कम्पेन चलाने का उस पर डिपेंड कर सकता है सेकंड जो बिडिंग मेथड है वो कन्वर्जन वैल्यू लेट्स से मेरी कन्वर्जन मैंने कन्वर्जन वैल्यू लगाई हुई है के लट्स से मेरी एक प्रोडक्ट है जिसकी मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ वो हंड्रेड डॉलर्स की है और मैंने उसकी वैल्यू असाइन की हुई है कन्वर्जन में हंड्रेड डॉलर्स तो हुँ. मैंने अब ये कंपेन कन्वर्जन लगाई है वैल्यूज़ के ऊपर फिर मुझे कन्वर्जन वैल्यूज़ के बेस के ऊपर अपने कन्वर्जनस uh, चाहिए या उस मेथड को हम एग्जीक्यूट करें तो uh, हमें मतलब सर्टन अमाउंट में हमारी जो इंक्रीज़ हो कन्वर्जन वैल्यू इंक्रीज हो हंड्रेड परसेंट टू हंड्रेड परसेंट थ्री हंड्रेड परसेंट वाट एवर जो आप चाहते हैं जिसको मैं आप आ, जिसको आप इजीली ये समझ लें कि आपने अगर आ, कन्वर्जन ली है हंड्रेड डॉलर की एक कन्वर्जन ली है तो आप जब ये स्ट्रेटजी लगाओगे तो ये वैल्यूज़ को इंक्रीज करने के लिए वर्क करेगी और ये एक्टिवेट तब होगी मैय तब होगी प्रॉपरली जब आप 15 15, फिफ्टीन कन्वर्जनस लास्ट फिफ्टी फिफ्टीन कन्वर्जन जब आप लेते हो उसके बाद ये प्रॉपरली वर्क करना शुरू करती है आप प्रॉपरली इसको देख सकते हो कि कितने में आप कितनी सेल्स ले सकते हो लेट्स अगर आपने पंद्रह सेल्स या पंद्रह लीड्स ली हैं उसकी कॉस्ट बनती है लेट्स फिफ्टी डॉलर्स तो फिफ्टी डिवाइडेड बाय फिफ्टीन करें तो एक लीड आपको इतने डॉलर्स की पड़ी। तो हमें आइडिया हो गया कि हमारी एस्टीमेटेड लीड इतने डॉलर में आती है तो वी इजीली मैनेज के हमें इतने में लीड चाहिए गूगल क्या करेगा उतने में आप कोशिश करेगा कि आपको उतने में कन्वर्जेंस लगा के दें समाइम ज़्यादा भी हो सकता है समाइम सम कम भी हो सकता है स्पेंड ठीक हो गया आगे हम मेथड डिफाइन करते हैं क्लिक्स कि हमारे एड्स पे हमारी कंपनी जो डिज़ाइन हो रही है इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि लोग हमारे एड्स ज़्यादा से ज़्यादा शो हो और क्लिक्स हमें मिले तो ये ऑब्जेक्टिव भी सिलेक्ट होता है मोस्टली शुरू में यही मैक्सिमम जो मार्केटर्स हैं मैक्सीम क्लिक्स की जो स्ट्रेटजी है उसको लेते हैं ताकि हमारा एड ज़्यादा से ज़्यादा शो हो और हम एक सर्टन अमाउंट में एक वैल्यू या डाटा कलेक्ट कर सकें तो उसमें आपका एड ज़्यादा शो होता है और आपको क्लिक्स मिलते हैं इसमें ऑब्जेक्टि आपके एड्स के ऊपर क्लिक्स होता है ताकि आपका भी एंड गोल यही होता है कि आप जो एड्स हैं और एड्स भी ऑब्वियसली आपके रेलिवेंट सर्चेज पे शो होंगे हो जो आपने सेलेक्ट की हैं और आप कि जो ट्रैफिक हो आपकी वेबसाइट पर जब ट्रैफिक ज़्यादा आएगी तो ऑबियसली यू गेट अ चांस टू इन्हेंस योर बिजनेस तो ये इसलिए यूज़ होती है उसके बाद आता है इम्प्रेशन शेयर ये स्ट्रेटजी हम तब यूज़ करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा एड ऑलवेज टॉप ऑफ द रिजल्ट रहे या आपका एटलीस्ट पहले पेज पे रिजल्ट पे आपका एड आ रहा हो इम्प्रेशन बेसिकली होता ये है कि लेट्स से मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो पहला रिजल्ट आ रहा दूसरा रिज़ल्ट आ रहा मैंने तीसरे रिजल्ट पे क्लिक किया ठीक है लेकिन जो रिजल्ट आपको शो हो रहे हैं उन पर इंप्रेशन जनरेट हो गया ठीक है वो शो हो रहे हैं तो जो एड्स शो हो रहे है थे उन पर इंप्रेशन जनरेट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रेशन्स ठीक है तो ये चीज़ है इम्प्रेशंस तो इसमें हम गूगल को या जो भी बिडिंग स्ट्रेटी जब अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हंड्रेड परसेंट चाहिए हंड्रेड परसेंट इंप्रेशन का मतलब है कि आपका आपका जो ऐड है वो हंड्रेड परसेंट पहले पेज पे होना चाहिए ठीक है ना या आप उसके अंदर एक और ऑप्शन होता है कि टॉप ऑफ मतलब आपका एड हमेशा टॉप ऑफ एड्स आ रहा हो या आप तीसरा ऑप्शन होता है कि जो पहले चार एड्स आ रहे हैं उनमें आपकी पोजिशन हो तो आप इम्प्रेशन शेयर में ये कर सकते हैं क्योंकि आप इसमें गूगल को आप ऑब्जेक्टिव बता रहे हो क्योंकि आपको ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन मिले ठीक हो गया जी मैंने आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज़ को जो आ, आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा मैंने बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन किया है तो ये इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आगे आ जाते हैं दूसरा जो हमारा है ऑटोमेटेड तो अभी हमने ऑटोमेटेड स्ट्रेटजीज की तरफ आते हैं दो तरह के स्ट्रैटेजीज हमने कही थी कि दो तरह की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ऑटोमेटिक बिडिंग और मैनुअल बिडिंग ठीक है ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ में मैक्सिमाइज क्लिक्स मैक्सिमाइज कन्वर्जन मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू टारगेट इंप्रेशन शेयर वी ऑलरेडी डिस्कस दीज ऑल थिंग्स तो ये ये ऑटोमेटिक जब आप ये बिडिंग स्ट्रेटजी स्लैक्ट करते हैं तो इसमें वो ऑटोमेटिकली आपकी कंपेन को ऑप्टिमाइज कर रहा होता है आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा होता है इस पर आपका कंट्रोल इतना नहीं होता आपका कंट्रोल सिर्फ यहाँ पर होता है कि आपके की किस टाइप के हैं जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं इनरेलीवेंट सर्चिस्ट तो नहीं आ रही उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप दूसरी चीज़ें जो एड्स से रिलेटेड हैं उनको मैयर कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ पर कॉस्ट को मैयर नहीं कर मतलब आप ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि मेरे एक क्लिक ऊपर इतनी कॉस्ट पड़े इससे ज़्यादा कॉस्ट ना पड़े ठीक है तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक में ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती ठीक है तो आगे आ जाता है मैनुअल बेटिंग मैनुअल बेट स्ट्रेटजीज जो होती हैं इसमें हम मैनुअली अपनी कॉस्ट को डिफाइन करते हैं तो वेरी प्रोफेशनल वे ये होता है कि आप खुद अपनी कॉस्ट को मैनेज करें और जब आप कॉस्ट आपने मैनुअल सी करने के बाद अच्छे तरीके से आपने मैनुअल सी चला दी है और एक अच्छे स्कोर में आप लीड्स लेके आए हो उसके बाद आप इसको ऑटोमेटिक बेट के ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हैं पहले आपको चाहिए ये कि आप मैनवली आप अपने गोल्स डिफाइन करो लेट्स से अगर कोई यूज़र आपके एड्स पे क्लिक करता है तो आपको उससे ज़्यादा कॉस्ट ना पड़े ठीक है लेट से एक क्लिक की कॉस्ट आपने टू डॉलर रखी हुई है तो आपको टू डॉलर से ज़्यादा चार्ज ना हो ठीक है तो आपको टू डॉलर से ज़्यादा चार्ज नहीं होगा जबकि ऑटोमेटेड बजट में आपका क्लिक चार डॉलर का भी हो सकता है छः डॉलर का भी हो सकता है एक डॉलर का भी हो सकता है दस डॉलर का, का भी हो सकता है तो उसमें आपका कंट्रोल इतना नहीं होता यहाँ पर मैनुअल बिल्डिंग स्ट्रेटजीज़ में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि वो मैनुअली पहले कंपेन को हैंडल करें उसके बाद जब एक अच्छा स्कोर आपका जनरेट हो जाता है तो फिर ऊपर वाली जो बिल्डिंग स्ट्रेटजीज हैं ये ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं मोस्टली जो मार्केटर्स हैं गूगल एड्स के वो ऑटोमेटिक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज़ को स्टार्टिंग से ही लेकर चलना शुरू कर देते हैं ताकि जो है हम मतलब उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता ज़रा आपको स्ट्रैटी कली आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ती तो इसलिए जो मोस्टली लोग हैं वो ऑटोमेटिक बिडिंग को ज़्यादा सेलेक्ट कर लेते हैं और मैनुअल बिडिंग में आपको ऑबियसली ये मैयर करना होता है कि यार आप अगर अगर, अगर, अगर आपने दो डॉलर स्पेंड लगाया है तो आपका एड नज़र नहीं आ रहा तो इट्स मीन यू नीड सम बज, मोर बजट टू शो योर एड तो वहाँ पर आपको एड्स मतलब आप प्रॉपरली उसको आपको देखना पड़ता है टाइम टू टाइम कि आपके एड्स की पोजीशन क्या है और आप किस तरह से इस चीज़ को मैयर कर सकते हो तो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जब आप ऐड पोजीशन चेक कर रहे होते हो ना तो उसको आपने मैनुअली आप जाते हो मैंने मोस्टली लोगों को देखा है वो इस तरह करते हैं कि लेट से उन्होंने ऐड कम्पेन चलाई हुई है और वो गूगल पर जाते हैं और सर्च करते हैं कि हमारा ऐड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा ठीक है तो डैट्स वॉज रॉन्ग वे कि आप गूगल पर जाकर चेक करते हो उसको तो आपने गूगल पे जाके उसको चेक नहीं करना कि आपका ऐड शो हो रहा है या नहीं हो रहा उससे नुकसान हो सकता है आपकी कंपेन को वो क्या हो सकता है कि आपको इंप्रेशन मिल रहा है आपके ऊपर यूज़र आ नहीं रहा क्योंकि आप अपना ऐड क्लिक तो नहीं करोगे ना तो जब आपका इंप्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो आपका ट्रैफिक मतलब यूज़र लैंड नहीं कर रहा तो गूगल इस पर आपका क्वालिटी स्कोर डिटर्मिन कर रहा होता है ठीक है जिसको मैंने आपको अर्ली बताया था कि आपका जो क्लिक थ्रू रेट है या सी जिसको हम बोलते हैं जो आपका लैंडिंग पेज और उसके ऊपर जो बिहेव होता है उन सब चीज़ों का मैयर कर रहा होता है अगर आपका 10 दस दफ़ा नज़र आया है सर्चिस के ऊपर अगर आपने खुद ही सर्च करके देखा और आपने क्लिक नहीं किया तो गूगल क्या समझेगा कि ये रेलीवेंट टर्म नहीं है जिस पर हम ऐड शो कर रहे हैं ये इेलीवेंट टर्म है दैट्स वाई हम जो हैं इसके ऊपर जो है ऐड मतलब हमारा ऐड नज़र आ रहा है ठीक है तो फिर वो क्या होता है कि हमारा ऐड उस टाइम के ऊपर नज़र आना बंद हो जाता है तो फिर ये हमारी कंपेंट को हर्ट करता है तो हम हमें ये चाहिए कि हम अगर अपना एड्स चेक करना चाहते हैं कि सर्चिस पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा तो इसके लिए हम गूगल का अपना टूल्स है गूगल एडवर्ड्स गूगल एड्स के अंदर अपना टूल है गूगल का उसको हम यूज़ कर सकते हैं ऐड डायग्नोजिक टूल है डिफरेंट टूल्स और हैं परफॉर्मेंस चेक करने के लिए डिस्प्ले की डिस्प्ले uh, एड्स की भी और आपके सर्च एड्स की भी वहाँ पर हम चेक कर सकते हैं वहाँ पर हमें पता चल सकता है कि हमारे इस की के ऊपर हमारा एड नज़र आ रहा है इस की के ऊपर हमारा ऐड नज़र नहीं आ रहा तो वहाँ हम प्रॉपरली इस चीज़ को गेट कर सकते हैं ठीक है इसके बाद जो सेक्शन आ रहा है वो है जब ये हम बडिंग स्ट्रेटजी भी सिलेक्ट कर ली हमने लोकेशन भी सिलेक्ट कर ली हमने बजट भी डिफाइन कर दिया और आ, हमने रोटेशन के ऊपर जो चीज़ें हैं वो भी डिफाइन कर दी तो ये सारी चीज़ें करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारे पास कम्पेन्स यूर ऑप्शन ठीक है कम्पेन्स का जो यूरल ऑप्शन है ये मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा इन इन कमिंग सेशन जो हम डैशबोर्ड पर जाएंगे जो हमारा अगला लेक्चर होगा तो इन अल्लाह ताली मैं आपके साथ अपने मतलब जो जिन पे मैं काम जहाँ पे कंपेन्स चला रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए वो भी शो करूँगा ताकि आपको एक मोटिवेशन भी मिले और आपको ये चीज़ें भी पता चलें कि यार ये इससे हम किस तरह से रिज़ल्ट गेट कर सकते हैं तो आपको मैं रियल कम्पेन्स के ऊपर आपको शो करवाऊँगा चीज़ें और उनके ऊपर जो एक्शन लूँगा वो भी रियल आपके सामने करूँगा ताकि आपको पता हो कि हम हमारे हम किस तरह से रिज़ल्ट गेट कर सकते हैं और जो हम कंपेन चला रहे हैं उस पर किस तरह से रिज़ल्ट आए हुए हैं ये कंपेन यूर एल ऑप्शन आपके सामने मैंने अब इसको मैं एक्सप्लेन आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा ताकि इजीली जो है ना प्रैक्टिकली मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कंपेन यूर आल ऑप्शन पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू uh, दे देता हूँ इसके अंदर हम डिफरेंट टेम्पलेट्स हमें ऑलरेडी इसके ऊपर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फ्राम वेयर वी गेट दिस काइंड ऑफ कोडिंग टाइप चीज जितनी भी है ना हम देख के घबरा जाते हैं यार ये हम कैसे करेंगे कहाँ से मिलेगी किस तरह से ट्रैक करेंगे तो ये आपको ऑलरेडी हर चीज़ आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगी और मैं आपको इसके लिए बता भी दूंगा कि कहाँ कहाँ से आप ये चीज़ गेट कर सकते हो अगर आप फर्दर आप ट्रैक करना चाहते हो ट्रैकिंग के लिए आप एनालिटिक भी यूज़ कर रहे हो आप गूगल एड्स की अपनी स्टैट्स भी यूज़ कर रहे हो तो आप जो मोर प्रोफेशनल वे में आप बहुत प्रिसाइजली अगर कोई चीज़ टारगेट कर ट्रैक करना चाह रहे हो तो वहाँ पर हम कंपेन यूरोल ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं रेटर दैन डेट मोस्टली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि गूगल एनालिटिक और गूगल एड्स जो हमें स्टैट्स देता है अकॉर्डिंग टू डिवाइस हम मोबाइल डिवाइस के स्टैट्स देखना चाहते हैं डेस्कटॉप भी देखना चाहते हैं या हम किसी चीज़ की मतलब जो भी पैरामीटर्स हम ट्रैक करना चाहते हैं वो ऑलरेडी हमें एक डाटा प्रोवाइड कर रहा है जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है इसके अलावा एनालिटिक हमें ऑल दोज ऑल दी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है जो भी हमारी कंपनी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो हम कम्पेन चला रहे हैं जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आ रही है तो वो इजीली हमें सारा कुछ बता रहा होता है तो लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपको ट्रैक करना होता है फिर साधली कंपेन के ऊपर फाइंडिंग्स करनी होती हैं कि कौन सी डिवाइस से आपका यूज़र आ रहा है और वो ऑर्डर ज़्यादा कर रहा है और कौन सी डिवाइस से मतलब इशूज़ आ रहे हैं या आपका जो यूज़र आया है उसने कौन सी डिवाइस यूज़ की है जो आपके ऐड को उसने क्लिक किया है या आपका जो यूज़र आ रहा है कौन से कीवर्ड को क्लिक करके आपके सर्टन ऐड पे आया है मतलब एग्जैक्ट कौन सा ऐड ट्रैगर हुआ है तो समाइम आपको ये नहीं पता होता कि आपका जो ऐड है कौन से क्लिक पर ट्रैगर हुआ है आपको ये तो पता होता है कि आपके इस एड पे इतने क्लिक आए हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि ये की कितनी दफ़ा क्लिक हुआ है इस ऐड के ऊपर तो अगर हम उसको ट्रैक करना चाहें तो वो भी हम ट्रैक कर सकते हैं इन्हीं पैरामीटर जैसे मैंने ये डिवाइस का पैरामीटर आपके सामने बनाया है तो यहाँ पर डिवाइस की जगह हम उन पैरामीटर का नेम लिखेंगे और उसका यू आर एल हम उसको ट्रैक कर सकेंगे तो सर्टन डिफाइन कर सकते हैं हर चीज के लिए आपको वगैरह सारी ऑनलाइन आपके गूगल एड्स के जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपको मिल जाएंगी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके ऊपर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीजें तो इस आज हम यहाँ तक ही करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डैशबोर्ड को जब लाइव एक्सप्लेन करूंगा इसी को कोई दफ़ा रिकायब करेंगे और देन मैं आपको आगे स्ट्रक्चर करने का कम्पेन किस तरह स्ट्रक्चर होती है एड किस तरह बनते हैं फिर सर्च कम्पेन्स कैसे डिज़ाइन होती हैं फिर डिस्प्ले के ऊपर हम जाएंगे डिस्प्ले कैसे होती हैं और फिर शॉपिंग एड्स के ऊपर जाएंगे वो किस तरह सेटअप होती हैं तो ये इन शाह सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर तो तब तक आप इन चीज़ों को जो मैंने आज आपको बताई हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी करनी है कि ये चीज़ें हमें पता होंगी तो तब हम आगे अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे अच्छा अंडरस्टैंड कर सकेंगे अच्छी स्ट्रेटज़ बना सकेंगे तो कल मैं जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इन शी उसमें मैं एक तो कंपनी वाला ऑप्शन से स्टार्ट लूंगा और एक हमारा एड जो शेड्यूल करते हैं हम किस तरह से शेड्यूल करते हैं वो बताऊंगा उसके बाद मैं आपको डैशबोर्ड के ऊपर लेके जाऊंगा और फिर मैं आपको इस सारी चीज़ें प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा इन शाल तब, तब तब तक जो है आप इसको जो आपने आज किया है वो आप इसको एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा और कोई क्वेश्चन वगैरह किसी भाई का या किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली कर सकता है तो कोई भी क्यूरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं एनी बॉडी अस्सलाम जी सर क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन मुझे यह था कि ये जो पीपीटी की फाइल है ये आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में वगैरह में ये आप आ, आ, आतिफ भाई जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं तो मैं भेज बे, दूंगा उनको अगर आ,

ट्राई किया आपको समझाने का तो ऑबवियसली आपको पता तो है ऑनलाइन इतना डिफिकल्ट होता है समझाना ना एज कंपेयर टू आप सामने हो तो वो इजी होता है इंशाल्लाह तरह सामने भी आएंगे इंशाल्लाह ताला आपके तो अभी तो सिचुएशन भी ऐसी है तो इस वजह से मार्केट में तो जी सर क्वेश्चन नबील साहब जो है उनको क्वेश्चंस था उन्होंने काफी देर से वो रिक्वेस्ट की थी शायद आप देख नहीं सके तो नबील साहब से कह रहा हूं वो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम ये गूगल एड्स से मतलब के अर्न कैसे करते हैं कि क्लिक के, के थ्रू हमें पैसे अर्न हो रहे होते हैं किस तरह होते hey, हैं सर ये मुझे Google समझ में नहीं आ रहा आया हाँ बिल्कुल गूगल एड्स इज अ डिफरेंट थिंग आप आपका एक बिजनेस है आप उस बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए से आप जियो न्यूज के पास जाते हो या आप किसी भी चैनल के पास जाते हो आप पैसे पे कर रहे होते हो राइट तो आपको पे करने पड़ेंगे गूगल एड्स के ऊपर जबकि जो आप बात कर रहे हो ना गूगल एक्सन की बात कर रहे हो फ्रॉम देयर वी वी अर्न वहाँ से हम अर्न कर रहे होते हैं गूगल एक्सन अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है और उसके ऊपर आपने अप्लाई किया और आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है तो आप वहाँ से अर्न कर रहे होते हैं कि अगर यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है तो एड्स जो आपने लगाए हुए हैं उन पर क्लिक करता है तो वहाँ से आपको अर्निंग हो रही होती है जबकि गूगल एड बेसिकली प्योरली यूज टू मार्केट योर बिजनेस आप अपने बिज़नेस को मार्केट कर रहे होते हो और आप अपनी रेलिवेंट ऑडियंस तक टारगेट कर रहे होते हो लेट से अगर आप आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप चाहते हो कि मेरी सेल्स बढ़ें तो आप क्या करोगे उनके एड्स थ्रो करोगे डिफरेंट मतलब गूगल एड्स को यूज़ करते हुए आप गूगल एड्स सर्च एड्स यूज करोगे डिस्प्ले यूज़ करोगे वीडियो मार्केटिंग यूज़ करोगे तो उसकी वजह से आपके एड्स जब जाएंगे राइट right प्लेसेस पे राइट right ऑडियंस तक तो आपका बिजनेस करेगा ठीक है ना तो एड्स में हमें पे करना पड़ता है गूगल तो ठीक है ना जब एड्स से आपने कहीं पे भी मार्केटिंग करनी है आपने अगर मार्केटिंग कर अपना एड देना है तो आपको पे करना पड़ेगा ये बेसिकली हम गूगल एड्स को ऐड दे रहे होते हैं यार ये मेरी प्रोडक्ट है या मेरी सर्विस है या मेरा बिजनेस है आपने इसकी प्रमोशन करनी है ऑडियंस तक ठीक है लेकिन जो आप कह रहे हो कि हम कैसे अर्न कर सकते हैं गूगल ऐप से वो ऐसे अर्न कर सकते हैं कि आप किसी तो को सर्विस प्रोवाइड करो गूगल एड्स की तो वो आपको अर्निंग होगी तो इसमें अर्निंग कैसे होती है आप सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आपको अर्निंग होगी सेवेंटी फाइव परसेंट जो बजट होता है ना बेसिक जो इसका फंडामेंटल है इसके गूगल एड्स को जो को से आप किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ बजट जो आप बजट स्पेंड कर रहे हो ना उसका सेवेंटी फाइव परसेंट आपको आपकी सर्विस सर्विस फीस होती है स्ट्रक्चर फीस सेटअप फीस वो अलग होती है ठीक है कोई और आ, क्यूरी नबील आपका क्वेश्चन क्या है आप काइंडली करें मैंने देखा है क्वेश्चन कहते गूगल एड्स ये जो आप बोल रहे हैं ये आप बनाना सिखाएंगे हमें जी जी मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह शाह तला नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और फिर आपको मैं एक टास्क दूंगा कि आप लोग अपने अपने ई मेल के ऊपर जी मेल के ऊपर एक अपना अकाउंट बनाएं ताकि आप प्रैक्टिकल भी कर सकें उसका एक आपको मैं डेमो दूंगा और डेमो वो नहीं होगा डेमो तो आ, होता है जो आप टेम्प्रेरी कोई चीज़ बनाते हैं तो मैं एक दफ़ा डेमो आपको एड्स अकाउंट बनाने का दूंगा उसके बाद मैं आपको रियल जो मैं कंपेन्स चला रहा हूँ मैंने ऑबियस इस टाइम जो करंटली है ना मोर देन हंड्रेड्स कम्पेन्स चला रहा हूँ डिफरेंट बिजनेसिस की ना तो वो भी मैं आपको स्क्रीन के साथ रियल डाटा शेयर कर, शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले कि आप किस तरह से ये जो है ना रिज़ल्ट ले सकते हैं ठीक है ओके सर ओके सर थैंक यू और जो है और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो फातिमा आपका कोई क्वेश्चन हो वकाश कोई भी क्यूरी है ना आप ओपनली कोई भी क्यूरी हो ना आपको तो आप मिलाजुडकर मुझे बोलें ठीक है मैं इंशाल्लाह ट्राई टू कन्वे ठीक है जी फातिमा आप बोलें नहीं सर जी नहीं मैं बस ये कहना चाहती थी कि शुरू का मेरा सारा लेक्चर मिस हो गया था वो मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग देख लूंगी तो फिर अगर, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं फिर आपसे कर लूंगी तो कल है क्लास या नहीं Uh, कल तो नहीं मुझे तो uh, नहीं बताया गया क्योंकि इसकी मेकअप जो एक नहीं है अभी आप कह रहे थे मैंने कहा शायद कल है तो क्योंकि क्योंकि इसकी जो कल मिस हुई थी हमारी उसकी कोई मेकअप क्लास तो होनी है मेरा ख्याल है सही है ठीक है ठीक है चलिए तो, वो फिर हमें शायद इन्फॉर्म कर देंगे सो 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 ठीक है थैंक यू सो मच आप सबका और बाकी आप इसको देखें और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल इंशाल्लाह ताला क्योंकि अभी जो मार्केटिंग की फील्ड है ना मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं इसमें आपके लिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो आने वाला दौर है ना आपका मतलब जो कमिंग आपका पाकिस्तान में भी जो और वर्ल्ड वाइड भी आप देखेंगे वो सारा डिजिटलाइज़ हो रहा है ठीक है और वहां पर सबसे जो बड़ा रोल है वो आप मार्केटर्स जितने भी हैं उनके लिए बहुत बड़ी ऑपरचुनिटीज़ हैं जो अभी लर्न कर रहे हैं जो फ्यूचर में लर्न करेंगे उनके लिए ये बहुत बड़ी ऑपरचुनिटीज़ है कि वो तब तक अपने आप को इस काबिल बना लें क्योंकि मार्केटर्स आपको बहुत मुश्किल से मिलता है अच्छा मार्केटर ठीक है ना मतलब बहुत कम है पाकिस्तान में ये चीज़ें ना तो आने वाले दिन अभी मेरी अपनी कंपनी है तो उधर मुझे यही शॉकड होता है कि मेरे पास एम्प्लॉयज उतने नहीं हैं जितने मुझे चाहिए और मिलता नहीं है ठीक है तो ये ये चीज़ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास मैं कहता हूँ स्पेस है अगर फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती है तो आप अपना ख़ुद का कोई बिजनेस मार्केटिंग के ज़रिए आप वहां से अर्न कर सकते हो आ, आप डिफरेंट वेज से अर्न कर सकते हो बस आपके पास स्किल्स होनी चाहिए तो आपको कभी भी क्योंकि तो आने वाला दौर इसी स्किल्स की डिमांड कर रहा है जितना भी आपका आई से रिलेटेड है और सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर आप अगर आप राइट मतलब आपने डिसीजन किया आप सब ने जो भी ये क्लास ले रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान में ओबियसली ये बहुत कम है और दूसरा क्वालिटी भी बहुत कम है जो हैं वो क्वालिटी नहीं है ठीक है क्योंकि वो प्रॉपरली या तो उनको कन्वे नहीं किया गया या प्रॉपरली वो चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए और ना वो लर्निंग उस तरह से होती है क्योंकि हम लोग लर्निंग नहीं करते हैं मतलब एक चीज़ हमारे पास आर्ट आ गया है ना तो हम उसको आगे इनहेंस नहीं करते हैं तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि आप लोग जो सीखते हो ना ये आप लोग कुछ जब प्रैक्टिकल करोगे ना और ख़ुद आप अपने मतलब में क्यूरी करोगे यार ये चीज़ मैं कर रहा हूँ तो ये होना चाहिए ये होना चाहिए तो तब आप एक अच्छे मार्केटर बनोगे जब तक आप क्यूरी नहीं करोगे आपस में ठीक है यहाँ आप जो भी स्ट्रैटीज़ बनाते हो तो आप जो भी चीज़ आप क्यूरी करनी हो आपने लेक्चर के एंड पे आप क्यूरी करें मुझसे इन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा चीज़ें तो आप मुझसे क्यूरी करें ठीक है और जो चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आपने वो क्लियर करनी है तो ना आई ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर यू जो भी बेस्ट हो सकता है मेरे लिए वो मैं आपको डिलीवर करूँ तो अभी अभी तक के लिए आप आ, से मैं इजाज़त लूँगा ठीक है एवरीबडी अल्लाह हाफिज़ हाफिज